अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? सर्दी हमारे सेट पे लग रही है, एसी तो कम करें, हमारे सेट पे सर्दी लग रही है, लेकिन अभी हमारे सेट से बाहर कराची में इतनी सर्दी नहीं हुई, मगर जो लोग लाहौर में हैं, जो लोग इस्लामाबाद में हैं या पाकिस्तान के और किसी शहर में हैं, वहाँ ठीक ठाक सर्दी पड़ना शुरू हो गई है। अब वैसे आपस की बात है, हम हर चीज़ के लिए अकलमंदी भी इसी में, हम हर चीज़ के लिए बजट्स बनाते हैं। जैसे कि कोई इवेंट करीब है हमारे मतलब लाइक हमारी ज़िंदगियों में, किसी की शादी है, किसी की बर्थडे है, अकीका है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत है थोड़े आपके खर्चे से बढ़कर, तो आप उसके लिए बजट बनाते हैं कि मैं इस महीने बचाऊंगी, उस महीने बचाऊंगी, तो इस तरह मैं वो बजट बचा लूंगी। ज़ाहिर है मियाँ, आपके हाथों में जो पैसे रखते हैं उसी पे आपने पूरा महीना गुजारा करना है, मगर जब अनकरीब हो कोई इवेंट तो आप चिंदी चिंदी करके, थोड़े थोड़े करके पैसे बचा रही होती हैं, बीसियाँ भी डालती हैं, सो बजट आपने कंट्रोल करने होते हैं, बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह कोई मौसम बदलने लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल बाहर आती है तो आप कहती हैं कि ओ लॉन के जोड़े बनाने, जल्दी से आप सर्दी में ही पैसे बचाना शुरू कर देती हैं कि जब तक बाहर आएगी तब तक मेरे कुछ पैसे बच जाएंगे और थोड़े बहुत मैं मियाँ से ज़रा प्यार मोहब्बत से ले लूँगी और उसके बाद जो है मैं लॉन के जोड़े बनाने, मेरे बच्चों के बनेंगे, मेरे बनेंगे। सो वहाँ भी बजट, फिर गर्मी में चलता है एसी और ज़ाहिर है उसकी भी कैलकुलेशन होती है कि इतने बजे से इतने बजे तक एसी नहीं चलाएंगे, रात को सोते हुए चलाएंगे या फिर दोपहर में इतने घंटे एसी चलेगा। ये एक पाबंदी, एक रूल सेट कर दिया जाता है घर वालों के लिए। क्यों? क्योंकि बजट को स्क्वीज़ करके रखना है, ऐसा ना हो कि एसी की वजह से आपको उधारों पर जाना पड़े। तो उसी तरह ज़ाहिर है हम आपको इतने शोज़ दिखाते हैं सेहत को लेकर, इसको लेकर उसको, हमें खुद पता है कि कितनी सारी महंगी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत फ़ायदा तो पहुंचाती हैं आपकी सेहत के लिए, और बहुत सारे लोग पहनने ओढ़ने पर, घूमने फिरने पे पैसे नहीं खर्च करते, बहुत सारे लोग हमारे आसपास के खाने पे पैसे खर्च करते हैं कि सेहत अच्छी हो, गोश्त ऐसा लाएँ मैं जाकर खुद लेकर आऊँ, या फिर सब्जियां होनी चाहिए, फल होने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, मतलब हर मौसम के लिहाज से आप सेहत का ख्याल रख रहे होते हैं। सो आपको क्या हमेशा कैसे लगता है ना कि ये सारे शौक़ पूरे करने के लिए या सेहत का ख्याल रखने के लिए जेब भारी होनी चाहिए, है ना? जेब गर्म होनी चाहिए। तो जेब गर्म होने के लिए बहुत सारा कमाना भी पड़ेगा, और जिस तरह की महंगाई है उस तरह आप चाहे तीन तीन चार चार नौकरियां कर लें, जेब गर्म आजकल किसी की होती नहीं है। पर क्या करें, सेहत नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। सो आज हमने सोचा कि हम उन प्यारे प्यारे से नाज़रीन के लिए जो हमारा मुंह देखते हैं सुबह सुबह, कि कुछ तो इस मुंह देखने के एवज़ उन्हें तोहफा दिया जाए। सो सर्दियां तो हैं ठंडी और जेब मैंने आपकी गर्म नहीं होने देनी, यानी कि गर्म ही रहने देनी है क्योंकि ठंडी नहीं होने दी। सर्दियां ठंडी है लेकिन जेब ठंडी नहीं होने देनी, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं ऐसा शो करती हूँ जिससे रहे आपकी जेब गर्म। आइए आज मैं आपको दिखाऊंगी कुछ सर्दी की ऐसी सौगात जो होगी रीजनेबल पैसों में। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि चिलगोजे खाने से ये फ़ायदा होता है, काजू खाने से ये फ़ायदा होता है, तो आप कहेंगे निदा कैसे खाएं, हमने तो शायद कभी चखा भी नहीं होगा, या शायद एक बाइट उठा के खा लिया होगा ड्राई फ्रूट वाले के पास से जाके कि भाई चखे होता कैसा है। तो जनाब कोई बात, सर्दियों की सौगात मैं लेकर आई हूँ उतने पैसों में जिससे रहेगी आपकी जेब गरम। तो आइए देखते हैं एक ऐसा शो जो पहुँचाएगा आपको फ़ायदा,
सेहत, ब्यूटी एंड एवरीथिंग इस सर्दियों के मौसम में, मगर आपकी जेब को ना मैं होने दूंगी ठंडा। तो रहिए मेरे साथ ये देखने के लिए कि जेब को गर्म रख के आप अपने आप को भी गर्म रखें, क्योंकि सर्दियाँ हो गई हैं और बहुत खांसी, नज़ला, ज़ुकाम है। सो उसके लिए, आपको हेल्प करने के लिए मैं यहाँ हूँ, मेरे एक्सपर्ट्स यहाँ। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए, मिलते हैं। और हमारे शो का नाम क्या था, मैं फिर भूल गई है, आपकी जेब सर्दी है पर आपकी जेब गर्म ही रहेगी। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का हमारा शो बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि ठंड तो है लेकिन हम रखेंगे आपकी जेब गर्म, आपकी जेब को ठंडी नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे पास आज एक्सपर्ट्स इस ठंड के सौगात जो भी लेकर आए हैं, इस ठंड की जो भी सौगात हैं वो ऐसी हैं जो आपकी जेब पे भारी नहीं होंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर बिल्कीस, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर बतूल, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? डॉक्टर काशिफ, अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। एंड कुछ भी हो जाए ना, लेकिन मुझे प्यारा लगता है ना जी। और शेफ फरा, मुझे लगता है आपके खानदान में सब आपको शेफ फरा ही कहने लगे होंगे। सभी कहते हैं कौन फरा, वही शेफ फरा। तो आपकी पहचान है वो, लोग भी आपको ये कहेंगे वही जो आप हर्बलिस्ट हो गए, ये पहले शेफ फरा है ना। थैंक यू। सो जी, आज जैसे कि हम आप चारों से मुखातिब हूं मैं, कि अगर मैं आपसे ये कहूँ के अक्सर हमने ड्राई फ्रूट्स का शो किया है, इसमें काजू, चिलगोजे, महंगी महंगी चीज़ें जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैंने आज सोचा हम ऐसी चीज़ें क्यों ना करें, ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ हेल्दी चीज़ें महंगी चीज़ें ही हों। एग्जैक्ट। तो अगर मैं आप लोगों से बारी बारी पूछूं कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो जेब से भारी नहीं है, क्या कहती हैं डॉक्टर बिल्कीस? इस मौसम में खाने के लिए, अपने कैल्शियम को पूरा करने के लिए, स्किन के लिए, स्किन को बहुत अच्छा करने के लिए सिंघाड़े। सिंघाड़े महंगे नहीं होते? बिल्कुल नहीं। हाँ, और पूरा जिस तरह ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं इसलिए पूरा मतलब के साल मिलते हैं, लेकिन ये मौसम में जो ये सिंघाड़ों का मौसम है इसमें लाजमी खाना चाहिए। सिंघाड़े 300 रुपये पाव है ना, और एक पाव में अच्छे खासे आ जाते हैं। आपको क्या लगता है, जैसे सिंघाड़े कहा इन्होंने कि वो जेब पे भारी नहीं है, आपको क्या? इसके अलावा जो है वो मखाने हैं, ऑरेंजेस हैं, मखाने। ये आप इस मखाने भी सस्ते होते हैं? मखाने तो सस्ते होते हैं और पूरे साल ही मिल रहे होते हैं, लेकिन सर्दियों में खाना बहुत बेनिफिशियल होते हैं, फायदा आपको। हाँ, गर्मियों में गर्म होते हैं तो गर्मियों में आपको पसीना ज्यादा आता है, लेकिन सर्दियों में खाने हड्डियों के लिए अच्छे हैं, मेमोरी के लिए अच्छे हैं। बहुत सारे लोग, जैसे मेरे देवर है दानिश ना, वो उसने अपना वजन बहुत कम किया तो कहने लगा जब मुझे बेवक की भूख सताती थी तो मैं मखाने खाती थी। बिल्कुल, वो आप उससे वजन भी नहीं बढ़ता। नहीं बढ़ता, बिल्कुल। फुलफिलिंग इफेक्ट बहुत अच्छा देता है और रिच इन कैल्शियम। इसलिए हड्डियों के लिए, क्योंकि जब आप डाइट करो तो आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा होता है, आपकी जॉइंट इतना वो जिस्म दर्द कर रहा होता है, तो मखाने बहुत अच्छे। आप क्या कहते हैं? मुझे लगता है गुड़ बहुत अच्छा है, चाय खाने का दिल चाह रहा होता है, आपको अपनी कैलोरीज भी नहीं बढ़ानी है, आपको थोड़ा सा एक्टिव भी रहना है, क्योंकि आपको पता सर्दियों में हम सब थोड़े से लाउजी हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, तो वो आपको एनर्जी देता है, क्योंकि हम एक अपना शुगर लेवल्स भी खास लेवल पे रखना होता है, अगर लो शुगर हो जाए वो भी बुरा है, तो आपके शुगर को मेंटेन रखता है, शुगर जितनी कैलोरीज नहीं भी है और बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, और अगर आपको गुड़ की आदत हो जाए तो आप गुड़ साल भर ही खाएंगे, तो सर्दियों में तो और भी अच्छा होता है। अच्छा, और आप क्या कहते हैं? जो सर्दियों की सौगात तो बहुत सारी चीजें, लेकिन छोलियाँ जिसे हम होले भी कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम वक्त के लिए आते हैं, आपको मार्केट में दिखते हैं सर्दियों में और महंगे भी नहीं होते, और कम क्वांटिटी खाने से आपका पेट भी भर जाता है, उसमें कोई ऑयल भी नहीं जाता, क्योंकि उसको सिर्फ आपने रोस्ट करना होता। अच्छा, हम लोग दो तरीके से पकाती थी मेरी अम्मी घर में, एक रोस्ट करती थी और एक ऑयल में भी करती थी, तो उसकी सब्जी भी बनती है ना, दाल भी बनती है, सब्जी बनती है, लेकिन वैसे ज्यादातर 90% लोग जो है वो रोस्ट करके खाते हैं, उसमें नमक वमक डाल के, चाट मसाला डाल के, या वैसे भी खाओ तो उसका बड़ा मजा आता है, कैल्शियम से भरपूर, और आप वही है ना छिलके
छिलके उतार छिलके उतार के खाते हैं और होले जैसा अंदर होता है, होले भी कहते हैं, छोलियां उसका छोलियां भी कहते हैं हम लोग, होले कहते हैं ज्यादातर। तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि सर्दियों में पानी बहुत कम पीते हैं, तो पानी की कमी को भी दूर करता है। क्योंकि हम पानी पीते हैं तो हमें कहते हैं कि नहीं सर्दी लगेगी, या फिर उठने में सुस्ती होती है, या फिर हम कहेंगे वॉशरूम जाना पड़ता है दूसरी जबान में ये कहते हैं। तो इस वजह से आप ये खा लें तो आपका पेट भी भर जाता है, और बहुत कम क्वांटिटी आप यहाँ पे 50 ग्राम ये वाला खा लें तो पेट भी भर जाता है, और दूसरा खाना खाने की जरूरत भी नहीं है। तो मैं समझती हूँ डाइट के लिए सबसे बेहतरीन जो है वो होले हैं, छोलियां हैं, तो आप उसे खाएं और आपको ताकत भी आती है, पानी की कमी भी दूर होती है, एक आपके अंदर चुस्ती भी पैदा होती है, पेट भी भरता है। ओके जी, डॉक्टर मलिक साहब से शुरू करें, पहला आप क्या टोटका बता रही हैं जो हमारी सेहत, ब्यूटी या किसी के लिए भी अच्छा और जेब पे भारी ना हो? हमारी जेब गर्म रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल गर्म रहनी चाहिए। उसके लिए क्या है, आप लेकर आए सिंघाड़े, ठीक है? सिंघाड़े जब उबालते हैं जो उसका पानी होता है। सिंघाड़े हैं? जी जी। अच्छा एक मिनट, मैं जरा सिंघाड़े लोगों को दिखा दूं जिनको नहीं पता कि सिंघाड़े होता क्या है। लाइए भाई, हमारे पास पूरे स्टॉल्स लगे हुए हैं। और इससे पहले कि हम शुरुआत करें, प्लीज मैं दिखाना चाहूंगी कैमरामैन, इधर गुड़ भी है, ठीक है, चिक्की कहते हैं, चिक्की वाला भी है, सिंघाड़े वाला भी है, और ये क्या है, सूप वाला भी है, और ये अंडे वाला है, अंडे वाला भी है, अंडे सूप, एंड शक्कर कंदी वाला भी है। सो ये वो वाली सारी सौगातें हैं जो आपकी जेब पे भारी नहीं होंगी और आप सभी भी इंजॉय करेंगे। सिंघाड़ा में कैसे खाते हैं, पका के? हाँ, बॉईल करने के बाद। हाँ, और बॉईल के अलावा उबाल के कच्चा भी खा सकते हैं, ठीक है, उबाल के भी खा सकते हैं और कच्चा भी खा सकते हैं। जी जी। उबाल के तो आराम से छिल जाते होंगे? नहीं, आराम से नहीं छिला, नहीं छिलते। हाँ, ये छुरी से आपको काट के इसे नहीं, उबालने के बाद। हाँ, उबालने के बाद। और कच्चा कैसे खा सकते हैं? कच्चा फिर निकालने के बाद पूरा वैसे छीलते हैं, छीलने उसी तरह। अच्छा, ये है सिंघाड़ा, और इससे डॉक्टर बिल्कीस जो बता रही है वो सुनते हैं। आइए जी, देखिए ऐसे इसको देखे ना, ऐसे लगते है कि जैसे भैंस का मुंह बना हुआ है। ऐसे इसकी देखिए सींग निकले हुए, पूरा 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 भैंस का मुंह बना हुआ होता है। अल्लाह। मगर इस जिस पानी में इसको उबाला जाए, अगर वो आपके बालों पे लगाया जाए तो आपके बाल काले होंगे। हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल आप इस पानी में उबाल रही हैं। जी, कितने उबाले आए, मतलब कि ये अधूरा उबला हुआ था। हाँ। अगर सही वाला सिंघाड़ा जैसे बिल्कुल कच्चा सिंघाड़े को उबाले तो पानी बिल्कुल। कितने सिंघाड़ों को उबाले? 10 से 12। 10 से 12 उबाले छिलके समेत। छिलके समेत और उस पानी से अपने बालों को रिंस करें। बिल्कुल, और उसी सिंघाड़े का जो ऊपर का छिलका जैसे मैंने यहाँ निकाल के रख लिया, इसको सुखा लेंगे, आपका नेचुरल डाई है। इसमें कॉफी मिलाए और बालों में लगाए, आपके बालों में कलर आए। मतलब इसको सुखा लिया हमने धूप में। जी, उसके बाद इसको ब्लेंडर में पीस, उसमें मसाले वाले जो ब्लेंडर होता है, जी उसमें पीस लिया, और इसमें कॉफी मिलाई, इसमें कॉफी मिलाई, चाय की पत्ती मिलाई जैसे घर से करते, प्याज मिलाया, थोड़ा सा लेमन जरूर डालना है, नींबू का रस डालना है, उससे आपका कलर लॉक होता है और बार बार घिरता नहीं। जिनको डाई एलर्जी हो उनके लिए बेहतरीन डाई है। अच्छा। कि आप इस तरह करके बना सकते हैं, इसके बेशुमार फायदे। ओके। अच्छा, और दूसरी बात अब ये कि ड्राई लिप्स, सर्दियों में बच्चे बाहर खेलते पूरे होंठ फट जाते। हाँ। तो उसके लिए सिंघाड़े बेहतरीन है। कच्चा सिंघाड़ा ले लें, उबला हुआ सिंघाड़ा ले लें, उसका आपने क्या करना है, उसको क्रीम की शक्ल दे देनी। जैसे मैंने यहाँ पीस लिए, 2 ही सिंघाड़े लिए हैं, ज़्यादा नहीं। इसको मैं बिल्कुल ब्लेंड ऐसे करूँगी जैसे क्रीम बन जाए। ठीक है, आपकी दवा तैयार हो। छिलके के बगैर लें? जी, छिलका आप उतार लें। छिलके में कलर होता है जिसके लिए हम डाई वगैरह करते हैं। ठीक है। पुराने जमानों में जो है ना कपड़ों को भी रंगा जाता था। जी, देखिए पुराने जमाने में चुकंदर होता था, उससे भी उसको भी यूटिलाइज किया जाता था रंगने में। और क्या क्या चीजें होती थी, जैसे ये है डाई करने के लिए, दंदासा, हल्दी। अच्छा, ये जो ये उबला हुआ सिंघाड़ा है आपने इसको पीसा? जी जी बिल्कुल पीस लिया। अच्छा, अभी आपने इसको क्रीम की शक्ल देनी है। ऐसे ना जैसे क्रीम की शक्ल दे दी। अच्छा, आपकी स्किन ड्राई है आप उस पर भी लगा सकते हैं। आपने इसमें क्या करना है, लौकी का तेल मिल जाए आप लौकी का तेल मिला लें, नहीं मिलता घर हर घर में तिल का तेल मौजूद होता है,
तिल भी सर्दियों में आता है, तिल खाने के लिए भी बहुत अच्छा है, तिल लगाने के लिए भी अच्छा है, तिल आपके स्किन की इन्फ्लेमेशन को कम करता है और यही काम जो है सिंगाड़े करता है, दोनों मिलके आपकी स्किन को हील अप करते हैं। क्योंकि लिप्स का ये हाल है, जैसे मेरी बेटी है वो ना अपनी स्किन ऐसे छील रही है, उसके माशाल्लाह अब्बा जैसे मोटे मोटे होंठ हैं, तो मैं वो लगाती नहीं है वो वैजी वगैरह कोई भी किसी चीज़ से, और उसके बाद मैंने अक्सर बच्चों को देखा है लिप्स छील रहे हैं। जी अच्छा, ये लिप अल्सर के लिए भी बहुत अच्छा है, जो छील लेते हैं अल्सर हो जाता है, और बाज़ औक़ात क्या होता है कि लिप्स में बार बार पपड़ियाँ सी बन जाती और इतनी तकलीफ होती है, खाने में भी काबिल नहीं रहते आप। लिप अगर लिप एक्जीमा है बार बार आपके, बिल्कुल ऐसे जब पसी चीज़ें आ जाती हैं या आपके कॉर्नर्स जो है फट रहे हैं या आपके लिप्स फट रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, सब चीज़ों के लिए अपनी मेडिकेशंस के साथ घर के टोटके के तौर पर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ड्राई लिप है तो आप यकीन करें आपको एक रात में ही फ़र्क पड़ जाएगा। रात को आप लगाकर सोएं, सुबह आप देखें आपके लिप्स हाइड्रेटेड हो जाएंगे, एकदम से ऐसा लगेगा कि जैसे आपने उसको ट्रीट किया। महंगे से महंगी क्रीम को ये टक्कर देने के लिए है, आप लगा के आजमाया हुआ नुस्खा है, लगा के देखिएगा। उबला हुआ सिंगाड़ा और तिल का तेल, बस दोनों बस। को हाँ, वैसे आप घर पे सिलबट्टे पे पीस लीजिए दोनों को ना, तो एकदम क्रीमी शक्ल बन जाएगी। हाँ। आपने बिल्कुल क्रीम बन जाएगा, फिर आप अच्छी तरीके से मल्टीपल टाइम लगाए लिप्स पे, एक दफा नहीं, जैसे ड्राई होने लगे दोबारा लगा ले, ड्राई होने लगे दोबारा लगा ले। अगर खा भी लिया, बच्चों ने भी अगर खा लिया, तो कोई ऐसी चीज नहीं है आपने दिया, तो आप इसको बना के, छोटे बच्चे जो होते हैं ना जैसे बालाज की एज है, उनको तो नहीं समझ आती, तो जबान फेरते फेरते ड्राइनेस कर लेते जी, बिल्कुल। और अच्छा, कुछ जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनके फोल्ड्स होते हैं, फोल्ड्स में ना उनके बड़ा सा ऐसे रेडनेस हो जाती है, ठीक है, जैसे उसको ड्राई रखे रैशेज हो जाते हैं, और यही चीज आप उनको भी लगाएं, जैसे फोल्डिंग एरियाज होते हैं नेक पे होता है, रैशेज हो जाते, लगा के रखें आप इसको रात भर लगाएं। अच्छा। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं कि देखिए आप अपने सामने बनाएंगे तो आपको पता है कोई भी ऐसी चीज आपने नहीं इसमें मिक्स की, पानी नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसे अगर आपने उसको सिलबट्टे पे पीसा है कुछ भी, पानी नहीं मिलाना है, बस ये याद रखिएगा, आप बना के रख लें। ये तो अभी इस वक्त बहुत लोगों की जरूरत है बहुत, और सिंगाड़े खाए भी फुल ऑफ कैल्शियम, जैसे कि अभी बताया सिंगाड़े बहुत अच्छे, ये मौसम और थोड़े देर टाइम के लिए आते, ज्यादा टाइम के लिए नहीं आते। मैं भी खाऊंगी, छील के रखो मैं। लिप्स का एक और चीज होती है लिप लिकिंग एक्जिमा ना, बच्ची ज़बान लगा रहे होते हैं उनकी आदत। अच्छा, मैं शेफ पर आपसे पूछना चाहिए, जैसे मैंने कहा ना लोगों को सिंगाड़े खाएं, तो अक्सर लोगों को टेस्ट डेवलप नहीं होता, एक उसका डिफरेंट सा टेस्ट होता है, कोई ऐसी चीज है सिंगाड़े में मिलाकर जो थोड़ा सा अच्छा बना के हम खा लें, हम तो जबान के चटखारे वाले लोग हैं ना। सिंगाड़ी की आप चाट बहुत अच्छी बना के खा कैसे सकते। कैसे आपने सिंगाड़े को बॉईल किया, इसको बारीक बारीक आपने, क्योंकि बॉईल हो जाते हैं नरम हो जाते हैं, चॉप कर लिया, उसके अंदर आपने थोड़ी सी प्याज टमाटर थोड़ा सा खीरा चाट मसाला लेमन जूस आप मिला के मिक्स करके खाएं, बहुत जबरदस्त लगता है। एक मैं जगह जाती हूँ जैसे कोयल है ना, वहाँ की सैलेड मुझे बहुत अच्छी लगती है, उस सैलेड के अंदर रॉकेट लीव्स लेटस ये सब चीजें ग्रीन लीव्स होते हैं और उसके अंदर होता है सिंघाड़ा, और सिंघाड़े के साथ जो है वो बहुत ही मजे का बाल्समिक विनेगर के साथ एक सॉस बनाया था, शहद मिला के, शहद वो होता है, हाँ शहद मिला के पुदीने के और ऊपर तिल डले हुए होते, और चिकन जो है उसको जो मिक्सचर बैटर होता है ना कॉर्नफ्लावर वाला, हल्का सा फ्राई करके ना वो मिलाया होता, पूरा एक मील है। सो वैसे मुझे सिंघाड़े खाने, मुझे सोचती हूँ कैसे खाऊं, लेकिन ऐसे खा सकते हैं। अच्छा, सिंघाड़े की चटनी, सिंघाड़े और वो हल्के से मतलब वो उबले हुए नहीं होते, वो कच्चे सिंघाड़े। अच्छा, सिंघाड़े इतना मजे का लगता है, सिंघाड़े की सॉस बहुत अच्छी बनती है, फ्रेंच फ्राइज के साथ या समोसा पकौड़ा के साथ आप खा सकते हैं। कैसे बनती है? बॉईल कर लें आप सिंघाड़ा, उसको अच्छे से ब्लेंड कर दें, उसके साथ थोड़ा सा धनिया थोड़ा सा पुदीना लहसुन नमक और बस आप इसको ब्लेंड करते, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल के बच्चों को तो ऐसे ही खिलाएं, आप इसको खिलाएं अपने खानों में, अपने फूड में, मील में, चटनी साथ में रखने में, चार चटनी की आदत होती है, बहुत जबरदस्त आपकी हेल्थ की हेल्थ और आपके मुंह का जो टेस्ट है। खीर बनती है, कटलेट्स बनते हैं सिंगाड़े की, क्या कुछ नहीं बनता, सिंगाड़े की खीर बनती है, पुलाव बनता है, बस पूरा शो सिंगाड़े पे रख देती। सीरियसली मुझे पता है ना कि आप लोगों के साथ इतने सालों से मैं शो कर रही हूँ, मुझे अंदाजा है कि सिंगाड़े की क्या वैल्यू है, बहुत सस्ता भी है और आसानी से मिल भी जाता है, सबसे बड़ी बात ही है, और टेस्ट के लिए भी अच्छा। क्या कह रही है? सिर्फ दो चीजें याद रखिए, अगर आपको किसी भी चीज से एलर्जी है, खाने से
किचकिच हो रहा है गले में, उसके ऊपर पानी नहीं पीना. ओके. और बच्चों को शहद चटा दें क्योंकि वो नमक के गरारे नहीं कर सकते. और बड़े हीलिंग के लिए नमक के गरारे कर लें तो जो इसका साइड इफेक्ट है ना, जैसे लोगों को लगता है कि खाने से एकदम गले में लग रहा है, वो चीज़ नहीं हो. चलिए. और कच्चा ज़्यादा बेहतर है उबले हुए से. उबले हुए से कच्चे में ये किचकिच नहीं होती. और कच्चा मुझे टेस्ट वाइज बहुत अच्छा लगता है. उबला हुआ थोड़ा बुढ़ापा बुढ़ापा लग रहा होता है. कच्चा ज़्यादा बेहतर है. हाँ, वो अजीब लग रहा होता है, लेकिन कच्चे का टेस्ट वाकई बहुत अच्छा है. जी, आप क्या बता रहे हैं? मैं बता रही हूँ ब्राइटनिंग फेस मास्क. और बहुत आसान सी चीज़ों से बनेगा. और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे कीनू का जूस. अच्छा, ठीक है, ठीक है. ये अच्छा, ये ब्राइटनिंग भी होगा और फेस लिफ्टिंग इफेक्ट. क्योंकि आप नोट करें सर्दियों में डल्ले सा जाती है फेस. तो उसके लिए अब आपको इतने इवेंट्स अटेंड करने हैं और आप फिर सोचेंगे अच्छा फेशियल यार वो तो कपड़ों में लग गए पैसे, वो तो ज्वेलरी ले ली. अब फेशियल तो जब आप कुछ भी खर्चा कर लें, कपड़े ज्वेलरी, कपड़ों पे खर्च हो जाते हैं, तो इन सब चीजों के लिए बचते नहीं है. तो एक किनू, एक किनू का मैंने तो सिर्फ 2-3 चम्मच इस्तेमाल करने. ठीक है. मैंने लिए लौंग को मैंने 8-10 लौंग लेकर मैंने इसको पका रही हूँ ग्लिसरीन में. अच्छा, ठीक है, ठीक है. अच्छा, लॉन्ग टाइटनिंग इफेक्ट बहुत अच्छा देता है. स्किन टाइटनिंग बहुत फास्ट टाइटनिंग, विद इन 5-10 मिनट्स आपको बोटॉक्स लाइक टाइटनिंग देगा. बट अगर आप डेली बेसिस पर यूज करेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है जो सस्टेनेबल होता है. लेकिन किस फॉर्म में? इसी तरह नहीं, मैं मास्क बना रही हूँ. नहीं, आप जो कह रही है लॉन्ग का, लॉन्ग अच्छा लॉन्ग कैसे, लॉन्ग किस फॉर्म? लॉन्ग आप, मैंने अभी इसमें ग्लिसरीन डाला है. अगर आपको ऑलिव ऑयल सूट करता है फेस पे, अगर आपको कोकोनट ऑयल, स्किन टाइप के लिहाज से होता है ना, अगर आपको आमंड ऑयल सूट करता है, बादाम का तेल, तो आप 8-10 लौंग को 2 चम्मच ऑयल में लेकर पका लीजिए. लिफ्टिंग ऑयल तैयार है. रात को सोने से पहले आप गीले फेस पे लगाएं, क्योंकि अगर स्किन टाइट होती है, जो आपको ग्लो नहीं होती, ग्लास स्किन चमक रही है, उसकी स्किन तो चमक इन चीजों से आती है. हमेशा आप अपने वेट फेस पे ही अप्लाई करें. अच्छा, कभी भी फेस वॉश करने का सर्दियों में उसको आप वाइप नहीं करें, ना टिश्यू से ना टॉवल से, लेट इट एब्जॉर्ब. और ये जो लॉन्ग जो है एज ए ह्यूमेक्टेंट भी काम करता है. अब ह्यूमेक्टेंट क्या होते हैं, जैसे हम हाइलुरोनिक एसिड यूज करते हैं. Exactly. पूरे जितनी फजा में मॉइस्चर होती है वो अट्रैक्ट करती है आपके फेस की तरफ. सेम लॉन्ग भी यही काम करता है. अच्छा, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ. Okay. ब्रेक के बाद आप ये वाला जो आप टिप बता रही है लॉन्ग को लेकर, इसको हम डिस्कवर करेंगे. आपके फेस को टाइटन, आपके फेस के ऊपर ग्लो लाए, ताकि आप जिस शादी में जाए पूछे क्या खुशखबरी है क्या. गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. ठंड तो है लेकिन ये शो रखेगा आपकी जेब गर्म. तो हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि इस सर्दी में आप अपनी हेल्थ, अपनी ब्यूटी का ख्याल रखेंगे, लेकिन आपकी जेब को हम गर्म ही रहने देंगे. सो आप बता रही थी डॉक्टर बतूल, आपने लॉन्गों से कुछ बताया. लॉन्ग और ग्लिसरीन, यस एग्जैक्टली. मैं स्किन ब्राइटनिंग एंड स्किन ग्लोइंग सीरम बना रही हूँ. लेकिन सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि हमने लॉन्ग डाली, लॉन्ग के साथ मैंने ग्लिसरीन के 2 चम्मच ऐड किए थे. अब ये पक गए हैं अच्छी तरह. जब आपको खुशबू आने लग जाए हम इसको निकाल लेंगे. मतलब ये है निशानी के खुशबू आने के बाद आप ये ऑयल निकालेंगे और वो बिल्कुल लॉन्ग पीछे रह जाए. बिल्कुल. हाँ. ये कलर ही चेंज हो गया बिल्कुल. अगर आपको अर्ली प्रीमेच्योर एजिंग का सामना है तो आप जस्ट ऑयल भी रात में लगाकर सो सकते हैं. ठीक है. और वैसे भी मैं मास्क बता रही हूँ. अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 चम्मच खुश दूध, जो भी हम चाय वगैरह में डालते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. और 1 चम्मच ही गुड़. ठीक है. अब गुड़ में ग्लाइकोलिक एसिड होता है तो ये पीलिंग इफेक्ट बहुत अच्छा देगा. अच्छा. और ग्लिसरीन के साथ जब हमने लॉन्ग को शामिल कर दिया वो लिफ्टिंग इफेक्ट बहुत अच्छा ठीक देगा. ठीक है. जैसे जैसे आप लगाते रहेंगे इसको सिर्फ 20 मिनट्स के लिए लगाना है. ओके. और फुल फेस पे लगाकर इसको आप अंडर आई भी लगा सकते हैं. कुछ मास्क ऐसे होते हैं जो अंडर आई नहीं लगाए जाते, लेकिन ये बहुत सेफ है. और आप ये देखें इसमें रिएक्शन होना शुरू हो गया. अगर आप नोट करें ये देखें ये फूलना, ये बिकॉज ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड है. अच्छा. तो ये कन्वर्जन कहलाती है बेसिकली. ठीक है. और ये बहुत जो मैंने बताया इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव मार्क और वेरी गुड ब्रांड. और ये 6,000 से लेकर 8,000 तक के डिफरेंट
उसमें दस्तियाब हैं। यहाँ पर आते आते तकरीबन जो है 8,000 कीमत हो जाती है, महंगे हो गए, इतना सा होता है, इतना सा होता है। तो ये आप घर में बना सकते हैं और देखें आप जब ये ऐसे कन्वर्ट हो जाए, आप देखें आप इसको डेली बेसिस पे बना सकते हैं। कितनी देर लगी हमें? 5 मिनट। आपके पास ये सारे इंग्रेडिएंट किचन में मौजूद हैं। आपने खुश्क दूध लिया, आपने गुड़ लिया, आपने जो लौंग है उसको आपने ग्लिसरीन में पकाया, उसके बाद हमने इसमें ऐड कर लिया। तो ऑरेंज जूस आप कब डालेंगे? ऑरेंज जूस आप लास्ट में डालेंगे। आपने ये बनाकर आप ये रख भी सकते हैं, आप इसको जो है इसी तरह कवर करके रख दीजिए, ये 3 दिन भी आराम से इस टेम्परेचर पे चलेगा। लेकिन अगर आप डेली बनाना चाहें आप डेली बना सकते हैं। अब हम लास्ट में इसमें ऑरेंज जूस इसलिए शामिल कर रहे हैं, वो जिनको पोर्स ओपन है, यहाँ पे पोर्स ओपन होने की वजह से निशानात पड़ जाते हैं, छोटे छोटे बारीक झाइयों के निशान आ जाते हैं, उसके लिए बेहतरीन है क्योंकि वाइटामिन सी होता है, इसलिए जो है उसको फौरन कंट्रोल करता है। ये देखिए कितना डलेगा। ओके, 3 चम्मच इसको शामिल किया। ठीक है। अच्छा, ये टीनेजर लड़कियां भी लगा सकती हैं? सब, ऑल एज ग्रुप के लिए, 20s वाली खवातीन सब के लिए बेहतरीन है, 30s वाली, 40s वाली, सब बच्चों तक के लगा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इंग्रेडिएंट है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। और ये लगा के कितनी देर? 20 मिनट्स के लिए, 20 मिनट्स में ये ड्राई हो जाएगा। थोड़ा अपने हाथ पे लगा के दिखाएंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए और कितना सही है ये। ये ऐसे अपने, ठीक है, अब ये इस तरह लगाया आपने और छोड़ दिया, क्योंकि ऑरेंज जूस है चूल्हे के आगे, तो ना चूल्हे के आगे बिल्कुल नहीं। और देखिए आप कोई भी मास्क अप्लाई करें फेस पे, आपको सनब्लॉक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपके पास सनब्लॉक नहीं है घर में, कॉर्नफ्लावर मौजूद होता है, चावल का आटा मौजूद होता है, नॉर्मल आटा मौजूद होता है, दूध में मिलाइए, जब दूध बॉयल हो रहा हो और फेस पे लगा कर आप अपनी कुकिंग कर लीजिए, वो आपको एटलीस्ट अगर प्रोटेक्शन उस लेवल की नहीं दे रहा जो सनब्लॉक के, लेकिन दे रहा है प्रोटेक्शन, 90% तो प्रोटेक्शन दे रहा है, वो आपको चूल्हे की हिद्दत से बचाएगा। ये देखें आप, ये अब जब मैं इसको सिंपल अगर मैं इस वक्त भी वाइप करूं तो आप इसका ग्लोइंग इफेक्ट देखिएगा। 20 मिनट्स क्योंकि ये जो गुड़ मैंने इसमें शामिल किया है ये स्क्रब का काम कर रहा है। आप सिर्फ मेरे हाथों में डिफरेंस देख लेंगे, आप ये देखें, जरा क्लोज करें, क्लोज करूँ, कौन से वाले कैमरे पे जाए, इधर इस तरफ, आप उधर ही, ओके, आप टेंशन नहीं लेने की, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आप वॉश करेंगे 20 मिनट्स के बाद, ओके, और फिर जो है आपने ठंडे पानी से करना है, कोशिश करें, सर्दियों में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अगर आप ठंडे नहीं, नॉर्मल पानी से फायदा ही होता है, जब मैं भी सुबह सुबह उठ के छक्का मारती हूँ एनर्जी भी आ जाती है। Exactly. आपके सारे यहाँ ये जो पोर्स होते हैं ना, क्योंकि अगर हम गर्म पानी से मुंह धोते हैं तो वो अजीब सा मुंह लग रहा होता है, ठंडे पानी से धोने में फ्रेशनेस एहसास होता है और ये सारा नजला वजला हो जाता है। एग्जैक्टली, तो आप मिक्स पानी से भी वॉश कर सकते हैं। फिर मैं ये कहती हूँ आप जब, क्योंकि मैं वजू गर्म पानी से नहीं करती, मैं भी नहीं करती हूँ, मैं ठंडे पानी से ही करती हूँ, इसलिए शायद नजला हो रहा है जो भी है, लेकिन स्किन नहीं खराब हो रही, स्किन वरना बहुत अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि गर्मियों में डल हो जाती है स्किन Yes. और उनको पता नहीं होता। Exactly. तो मुझे ये लगता है, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि वो गर्म पानी से वजू वगैरह कर रहे होते हैं जिसकी वजह से, भाई आप हाथ नीम गर्म पानी से कर लें, पैर धो लें, मसाज, लेकिन जो मुंह धोए ना वो ठंडे पानी से ना। जी डॉक्टर, बात करते हैं, ऑफकोर्स सर्दियाँ आ गई हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है क्रैक्ड हील्स, आपकी हील्स फट रही होती है, एड़ियाँ फट रही होती है, तकलीफ दे भी है, बहुत एम्बैरेसिंग भी है क्योंकि आपके शूज के अंदर से दिख रहा है, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए सैंडल्स और हील्स पहनी है जी, और शादी में गए पैर देखे फटी हुई एड़ियाँ, गंदे इतने, दैट लुक्स रियली अनकंफर्टेबल। अच्छा, पेनफुल भी होता है, देखने में भी बुरी लगती है, लोग बहुत आपको टोकते भी हैं। अच्छा, लेकिन मैं एज अ डॉक्टर पहले तो टेस्ट करवाऊंगा, CPSR कराऊंगा, मैं उनका हीमोग्लोबिन लेवल्स चेक करूंगा। अच्छा, वो उससे भी होता है क्या? उसकी वजह से भी हो सकता है। अल्लाह, ये तो अच्छा, शुगर लेवल्स जरूर चेक कराना चाहिए, HbA1c डायबिटिक पेशेंट्स को ये जरूर, क्योंकि ड्राइनेस, एक्सेसिव ड्राइनेस होती है डायबिटिक पेशेंट्स को, तो डायबिटिक पेशेंट्स में जख्म भी बन सकती है वो ड्राइनेस। सही कह रहे हैं, तो उनको मेरी अम्मी और सास के साथ यही प्रॉब्लम हुई थी। डायबिटिक पेशेंट को हम हमेशा कहते हैं कि एक आईना लेकर पूरे पैर का रोज मुआयना करें, पैर के नीचे रख के देखें कोई फंसी, कोई फॉलिकुलाइटिस, कोई क्रैक या कोई ऐसी चीज तो नहीं, ताकि फौरन रिपोर्ट करें, पता नहीं चलता। मेरी अम्मी की एड़ी में हो गई थी प्रॉब्लम और मेरी सास के अंगूठे में हो गई थी प्रॉब्लम, पैर का ही बड़ा मसला रहता है। वही जख्म जो है ना उनकी, मतलब वो जानलेवा बन जाता है क्योंकि वो तकलीफ इतनी होते होते होते, दोनों के साथ यही केस हुआ, शुगर पेशेंट्स थी, उन्होंने
ख्याल नहीं किया, सर्दी में ड्राइनेस हुई और होते होते जख्म बन गए। लेकिन एक्चुअली डायबिटीज में ये होता है कि न्यूरोपैथी हो जाती है, आपकी नर्व जो है एंड की आपको फील नहीं होता। तो आपको हम हमेशा कहते हैं ऐसे डॉक्टर की एक आईना लेके जरूर चेक करें, पूरे पाओं का मुआयना रोज करना चाहिए डायबिटिक पेशेंट को। तो डायबिटीज हो गई, थायराइड की, तो मैं आज आपको क्रीम बता रहा हूँ जो आपको देगा जॉय, खुशी देगा आपको, बहुत आसानी देगा आपको, खुश कर देगा। जॉय, जे ओ वाई, ठीक है। जे से जैगरी जो कि आपका गुड़, इसका एक पेस्ट हमने एक चमचा लिया है, 1 teaspoon ऑफ आमंड ऑयल जो कि बादाम का तेल है, और योगर्ट जो कि 1 चम्मच है। तीनों चीज़ें बहुत आसान है, सर्दी में मिल जाती हैं, और हम तीनों को मिक्स करके एक ऐसा पेस्ट बनाएंगे जो आप अपनी फटी एड़ियों पर लगा सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा डॉक्टर ज़रूर कहूँगा कि पहले आप ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाइए ताकि हम इसका रीज़न फाइंड हो, आई जी लेवल्स होता है जो भी बढ़ा हुआ होता है उसको भी हम करेक्ट करेंगे। तो हम जैगरी जो कि गुड़ है उसका 1 चम्मच हमने लिया, ठीक है। फिर हमने आमंड ऑयल जो कि बादाम का तेल है उसका 1 चम्मच लिया। ये सब चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती हैं, स्पेशली सर्दियों में तो और आसानी से मिल जाती हैं। गुड़ का महीना आ जाता है तो गुड़ लोग ज़्यादा खाते भी हैं, लगाते भी हैं, और उसमें आपने ये लिया योगर्ट। अब आपने इसका पेस्ट बना लिया, अब आपने अपनी फटी एड़ियों पे इसको रात में, इसका तरीका ये कि रात में लगा के इसको फुल उनको करके, अच्छा पैक कीजिए, तकिया रख लीजिए ताकि आपकी एड़ियां, जी तकिया ऊंचे रखें ताकि आपकी एड़ियां, मतलब कितना, जरा मुझे आप जी शोर, आपने तो ग्लव्स पहने हैं, आप मुझे बताएं कि कितने इसकी कंसिस्टेंसी बनेगी और कितना लेप के लगाना है। जी देखिए, इसको आपको अपने सारे क्रैक हील्स को भर देना है इससे। अच्छा। पूरा अंदर को ही भर दीजिए, ऊपर से लगा दीजिए। प्लास्टिक की थैली, अगर चाहें, अगर आप चाहें, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, प्लास्टिक की थैली पड़े तो वो आपके तकिए से खराब नहीं होगा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, वो आप कर सकते हैं और वो वैसे भी पसीना आ जाएगा। जी, और अब पैर के नीचे आप तकिया रख के सोएंगे तो ये इसकी परसिस्टेंटली अंदर जाता रहेगा। अच्छा, ओवरनाइट लगाना है इसको, पूरी रात में लगाएं, इंशाल्लाह आपके एक हफ्ते में फटी एड़ियां बहुत बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर योगर्ट है जो कि आपको, और अपना बादाम का तेल, जॉय जॉय यहाँ रखे ना, जैगरी जो कि गुड़ है। अब अगर बादाम का तेल थोड़ा महंगा पड़ रहा है, ठीक है, सस्ता कौन सा, कोई भी आप लगा सकते हैं, कोई भी ऑयल लगा सकते हैं, क्योंकि ऑयल आपको थोड़ा सा वो देगा, एक थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देगा, बिल्कुल बिल्कुल, हम इसको जेब को हल्की रखेंगे, लेकिन ये आपके इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत बड़ा मसला है ये फटी एड़ियां, क्योंकि बहुत महंगी क्रीम्स आती है मार्केट में और शायद वो असर नहीं भी नहीं करती, करती। चले जी, मैं शेफ परा के पास आ जाऊँ, इससे पहले ब्रेक पे जाऊँ, बेचारी फिर रह जाए। हाँ, बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें, चीज़ें हो रही हैं। फेस का भी ख्याल रख लिया, पाओं का ख्याल रख लिया, हाथों पे कौन तवज्जो देगा? तो मैं तवज्जो दिलवाऊंगी हाथों पे। कि हाथों का ख्याल रखना है, क्योंकि हाथों से ज्यादा बातें करते हैं तो हाथ का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा होता है। तो मैं तो एक्रेलिक्स भी नहीं लगाती, क्योंकि सर्दियों में इतनी तकलीफ देते हैं एक्रेलिक्स, जब वो घिस रहे होते लगाते हैं। सो मैंने कहा भाई नहीं, मैं तो ना एक्रेलिक्स लगाऊंगी ना मैं वैक्स कराऊंगी, मुझे बहुत तकलीफ होती है। और जब आप, हाँ, आप सर्दियों में वैक्स करते हैं तो आपकी स्किन भी उखड़ती है, बिल्कुल, और हाथ बहुत काले भी हो जाते हैं, ड्राई बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फुल स्लीव्स पहन लूंगी तो सर्दियों में वैक्स नहीं करा। जो खवातीन ज्यादा घरों में काम करती हैं, बर्तन धो रही होती, कपड़े धो रही होते, तो हाथ ऐसे सख्त हो जाते हैं और इतने काले से हो जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा से स्क्रब बनाऊंगी और मूंगफली से हम बनाएंगे, क्योंकि मूंगफली भी सस्ती आती है और बहुत कम क्वांटिटी में, सर्दियों में ज्यादा आ रही होती है, तो उससे मैं बनाऊंगी। सबसे पहले मूंगफली का मैंने पाउडर ले लिया है, आपने इसको छीलना है और उसका पाउडर अच्छा सा मैं बना लूंगी, स्क्रब बनेगा बहुत ही जबरदस्त सा। 1 tablespoon ले लिया, उसके अलावा मैंने यहाँ पर कीनू के जो छिलके हैं, पील है, वो ले लिया। अगर आप फ्रेश भी ले सकते हैं बहुत अच्छा है, फ्रेश को भी हल्का सा पानी में बॉईल कर लें, कीनू खा रहे हैं तो उसके छिलकों को बॉईल कर लें तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। मैंने ये पाउडर लिया क्योंकि पूरे साल मिलता है। उसके साथ नमक थोड़ा सा, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर कैस्टर ऑयल, सारी सस्ती चीज़ें हैं और घर में आपको मिल भी जाती हैं, कोई महंगी चीज़ें नहीं है, खूबसूरती जरूरी नहीं है। अरंडी का तेल कहते हैं ना, अरंडी का तेल, के महंगी चीजों से ही हो, पहले इनको मिक्स करें। पता है मैंने एक दफा क्या किया, मैं आपको बताऊं, मैंने आईलैशेस बढ़ाने के लिए मैंने कहा चलो कैस्टर ऑयल लगाते हैं, अब मैंने कैस्टर ऑयल पता नहीं क्या दिल भर के ज्यादा लगा लिया कि जल्दी अच्छी हो जाए, आंखों में चला गया, जलन होती है, जलन होती है। आपको जब आप उठे हुए हो ना, जब आप कोई काम नहीं ऐसा कर रहे हो सोने वाला, उस वक्त नहीं लगाना चाहिए, आपको कैस्टर ऑयल इसी पर लगाए जब एक्टिवली कोई काम कर रहे हैं, इसको लगा के मस्कारा में, मस्कारा के ब्रश से लगाएं। देखें मैंने ऐसे थोड़ी, ये तो इतनी तो समझ में, मैंने मस्कारा ब्रश से ही लगाया, ज्यादा लगा दिया था। लेकिन रात में आपने लगा के सो गई ना, ये आपने गलत किया, तो वो आंखों में नहीं, नहीं। उसको उठे हुए जब आप उठी हुई है, आंखों के अंदर चला जाता है, फिर वो इन्फेक्शन कॉज करता है, गलती हो गई।
अच्छा अब मैं इसके अंदर तो मैं झपकूंगी तो कुछ नहीं होगा? नहीं नहीं, वो थोड़ा सा वो होता है पर वो अच्छा लगता है। बिल्कुल लाइट सा लगाइए आप, मस्कारा की तरह लगाइए, कैस्टर ऑयल को उंगली से भी लगा, जी कम लगा रहा, उतनी लगाइए कि आपकी आई लैशेस पे लगा रहे और लेकिन उठे रही है, पूरी इन्फेक्शन हो गई, कंजंक्टिवाइटिस हो गई, मैं बिल्कुल कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है। अच्छा ऑरेंज जूस इसके अंदर हम शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा, ऑरेंज इसमें भी जार्ड, हाँ जी बिल्कुल इसके अंदर जाएगा। गुड़ का इस्तेमाल नहीं करें, गुड़ नहीं था इसमें, गुड़ नहीं था ये, इसके अंदर मूंगफली का पाउडर था, कीनू के छिलके का पाउडर था, नमक, कैस्टर ऑयल और इसका हम इसको जूस, जूस ऑरेंज जूस इनको मिक्स करके आप भी कंसिस्टेंसी जरूर दिखाएंगे। बिल्कुल मैं दिखाती हूँ, क्रीम की तरह लगाना है हमने इसको, बनाना भी क्रीम की तरह है और इसका स्क्रब करना, मैंने स्क्रब बताया है, ये आप हाथों पे लगाएंगे ठीक है, ये फटी एड़ियों के लिए नहीं। अच्छा, है दोबारा से मेरी बहन है ना, हाँ उसकी ये फट, यहाँ पर दोनों हाँ। तरफ लगा सकते हैं बिल्कुल, हाँ। फटते हैं लोगों के, देखिए दोनों तरफ ऐसे इतनी पूरी पूरी जैसे लोगों के वो निकलते हैं, ये पूरे फ्लेक्स निकलते, पपड़ियाँ निकलती, बहुत माइल्ड सा होता है और आपके रैशेज भी नहीं पड़ते इसमें। आपने इसको अच्छे से मसाज करना है, मसाज करने के बाद 5 मिनट तक मसाज कर लें और साफ कर लें, वॉश कर लें इसको। एक ही एप्लीकेशन में इसके इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, एक ही एप्लीकेशन में, ये नहीं कि आप 3-4 दफा यूज करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा, लेकिन आपको एक ही एप्लीकेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और कोई चुभन भी नहीं होती क्योंकि मूंगफली बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। हाँ। तो ये बहुत जबरदस्त है। मैं डॉक्टर बतूर आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो शिकायत होती लोगों को हाथ के जो ये आगे से ये फटते हैं, क्या वजह होती है? B6 और B12 की कमी होती है। ओ विटामिन B6 एंड B12 की कमी, बिल्कुल सिंपल नैरोबियन खाइए, इंजेक्शन नैरोबियन खाइए या फिर इंजेक्शन, 2 से 3 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इतनी प्रॉब्लम होती है, फिर आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, सिंपल ऑयल लगा लीजिए, कुकिंग ऑयल लगा लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जब वो निकलता है, आप कोई खाना पका रहे हैं कुछ करें, आपको इतनी जलन हो रही है, प्याज और टमाटर का रस लगना ही नहीं चाहिए, आलू प्याज टमाटर का रस बिल्कुल एक्जिमा में कन्वर्ट हो जाता है, एक्जिमा में कन्वर्ट हो जाता है। मैं एक चीज पेशेंट को बताता हूँ कि आप जो सफेद कपड़ा जो होता है कॉटन, उसी के दस्ताने बना लीजिए, कभी कभी कुछ लोगों को इन ग्लव्स से भी एलर्जी हो जाती है, तो आप सफेद जो होता है आपका कॉटन होता है, घर में जैसे चादरें बनती हैं, उसी का आप दस्ताना खुद बना लें तो वो आपके बहुत सेफ रहता है, आप ये लगा के क्रीम वगैरह लगा के दस्ताना पहन के सारे काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन इलाज ये है कि देखें आपको सिर्फ 3 दिन खाना है, हाँ। और 3 दिन आप एहतियात कर सकते हैं, नहीं तो आप देखें बर्तन धोने वाला साबुन, बर्तन धोने वाला लिक्विड, सब्जियां, हर चीज आपको इरिटेट कर, जो घर का काम खुद करती हैं उनके लिए मुसीबत हो जाती है, तकलीफें क्रैक्स पड़ जाती हैं, मतलब हाथ आपके काम ही नहीं रहे ना, बिल्कुल ऐसा तो बहुत जरूरी है। B12 और B6 इसकी कमी की वजह से प्रॉब्लम होती है, बाकी वही जो आप ड्राइनेस है, थोड़ा क्रीम लगाना पड़ेगा या ये वाली स्क्रब लगाएं, देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट सा आ जाता है, एक बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं हाथ सर्दियों में, और गर्मी है। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं कि ये हमें हमारे जेब को गर्म रखने के लिए और क्या क्या बताती हैं जी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए मैं गुड़ की चिक्की खा रही हूँ, इतनी कोई मजे की है ना, लाजवाब बहुत मजे का टेस्ट है, और एक आपको ड्राइनेस फील हो रही होती ना सर्दियों में स्पेशली, ये थूक भी नहीं निकली जा रही होती, वो वाली चीज़, वो उससे मुझे अभी फील हुआ है कि इतना सुकून मिल रहा है और अच्छा मेंटेनेंस रखता है। मैं तो कूदने लगूंगी अभी, हाइपर हो जाऊंगी, एनर्जी मिल जाती है। हाँ ओके जी, क्या बता रही हैं आप जी? मैं मलाजमा के लिए बता रही हूँ, छाइयाँ जाइयाँ, मगर जो और सर्दियों में और बढ़ जाती है चाहिए। जी जी बिल्कुल, ड्राइनेस, ड्राई भी हो जाती। अच्छा देखिए, मूली की स्मेल बहुत खतरनाक होती है, अजीब सी आती है, तो इससे आप घबराइएगा नहीं, सीधी सी बात मैं बता रही हूँ, लेकिन इसका ना क्रीम बहुत अच्छी बनती है, जब क्रीम बन जाती है तो स्मेल फिर ये नहीं आती। मैंने क्या किया, मूली का रस निकाल लिया है तकरीबन 1 कप, अब इसमें मैं सिर्फ 2 चीज़ें मिलाऊँगी, ड्राई मिल्क, अभी एक एक चम्मच डाल रही हूँ, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, ठीक है, भर कर इनको मिक्स कर लूँगी, मिक्स करने के बाद हल्का सा, देखिए पहले से मैंने इसको गर्म करके रखा है, ताकि पहले तो इसको मिक्स करेंगे ताकि फुटकियाँ नहीं पड़े, ठीक है, फिर इसको मैं हल्का सा गर्म कर लूँगी, आपका मूली जो है उसको अच्छी तरीके से आपने पीस लेना है, ठीक है, बस इसको क्रीमी शक्ल दे दें आप, आपकी बहुत ही अच्छी मलाजमा की क्रीम तैयार हो गई। हल्का सा गर्म करना है ताकि मूली का जो रस है वो मिक्स हो जाए, देखिए हो गई, आप इसको निकाल लें,
लगाने का तरीका भी बता देती हूँ। कॉर्नफ्लावर भी जो है ना आपकी स्किन को, अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है उसके लिए भी बेहतरीन है कॉर्नफ्लावर। जब भी रैशेस वगैरह हो जाते हैं, बच्चों को भी रैशेस होते हैं, हम कॉर्नफ्लावर ही लगाते हैं, ठीक है। जब आपके मलाजमा वाली स्किन होती है, वो ड्राई पैची और मलाजमा अक्सर जो फॉर्मूला क्रीमें लगाते हैं उससे भी हो जाती है, और इंटरनल बहुत सारे इश्यूज होते हैं उससे भी हो जाती है, मखसूस आयाम में मेकअप का ज़्यादा करने से भी। मैं नेचुरोपैथ हूँ तो मैं कहती हूँ कि हो जाती है। और नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करना, धूप में जाना, यूवी रेजेस का ख्याल ना रखना, और अगर थोड़ी सी भी हो गई तो हम क्या करते हैं उस पर फ़ौरन ही उसको ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, और जो जो आपसे वादा करते हैं कि इतने दिनों में सही हो जाएगी वही वाली चीज़ें आप लगाते हैं, उसको फिर आप फैलाते चले जाते हो। लेकिन इसमें लीवर, आपका जिगर बहुत अच्छा ब्लड सप्लाई करने वाला होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट ब्लड वो सप्लाई करे, उसके लिए इस मौसम में साग ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, हर हरी पत्तों वाली सब्जियां ज़्यादा खाएं, उससे भी देखेंगे आप इंशाल्लाह मलाजमा कम होगा। और ऑरेंजेस आए हुए वो भी देखिए, ये क्रीम बन गई। अब दोबारा से बताएं इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर क्या क्या डाले थे आपने। मूली का रस निकाला था एक कप, उसमें एक चम्मच भरकर ड्राई मिल्क, एक चम्मच भरकर कॉर्नफ्लावर, उसको पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था, वो क्रीमी शक्ल बन जाए उसको हल्का सा चूल्हे पे गरम कर लिया था। तो देखिए ये क्रीम बन गई, जैसे क्रीम बनती है देखिए, सही है, जैसे कोल्ड क्रीम होती है ऐसे ही। अच्छा, अब लगानी कैसे है ये बताएं। हाँ बिल्कुल बता देती हूँ, आपने ली जैसे क्रीम लेते हैं इस तरह करके आप इसको लगा लें, मतलब ये तो नजर भी नहीं आ रही है, तो चुप गई बिल्कुल, है ना। मैं बता रही हूँ देखे, वही ना जैसे मुंह पे लग गया, मैं समझ रही थी वाइट वाइट नजर आएगी, नहीं बिल्कुल नहीं नजर आती। और आप ये एक दफा बना के रखें, तकरीबन 7 से 8 दिन तक बनाएं, फिर जाहिर सी बात है अभी तो मूली का सीजन है, आप आराम से बना सकते हैं। बिल्कुल, आप बिलीव करें रात को लगा कर सोएं, सुबह जब आप चेहरा धोएंगे आप को एक फ्रेशनेस निखार का एहसास होगा, और इससे आपको एलर्जिक रिएक्शंस बिल्कुल नहीं होंगे इंशाल्लाह। ये देखिए मैंने लगाया है, और इसको लगाने से ना एक ठंडक का एहसास होता है, जो मूली का रस है जो इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है उससे बड़ा ठंडा ठंडा सा लगता है। और आप इसको अच्छा, जिनको लगता है कि भाई आपकी स्किन ड्राई है, पैची है, फट रही है, तो आप इसका डबल कोट भी उस पर ऐसे करके ना मरहम की तरह लगाकर छोड़ सकते हैं। अगर आप ऐसे करें पहले तो आप पैच टेस्ट कर लीजिएगा, और अगर इस तरह आपने कोटेड लगाना है तो पहले 20 मिनट के लिए लगाकर धो लें, आपको कोई रिएक्शन नहीं आता पूरी रात लगा के रखें। बेस्ट है जी, बिल्कुल बहुत बेस्ट है मलाजमा के लिए। आप 3 महीने इस्तेमाल करें तो तकरीबन 30-40% आपका मलाजमा बेहतर हो जाता है। बेस्ट है, बेस्ट है। जी डॉक्टर बताइए। मैं बता रही हूँ आप घर में उपटन कैसे बनाएंगे। हाँ, आपकी झटपट किसी की शादी है। यस एग्जैक्टली। और ड्राइनेस की वजह से शादियों का मौसम है भाई, स्किन डल हो जाती है ड्राइनेस की वजह से, तो घर की चीजों से ही हम बना रहे हैं। एक चम्मच मैं ले रही हूँ सिंघाड़े का पाउडर, जो कि हर जगह मिल जाता है। बिल्कुल। और इस उपटन की खास बात बताऊं क्या है, इस उपटन को लगाकर आपने धूप में बैठना है। हाँ। जितना आप धूप में बैठेंगे उतना आप क्लियर स्किन पाएंगे। ओ वाह। इसकी एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी होगी जो चीजें इसमें मौजूद हैं। अच्छा। एक चम्मच मैंने लिया सिंघाड़े का पाउडर, फिर मैं इसमें शामिल करूंगी 1/2 चम्मच हल्दी का, और फिर हम इसमें लेंगे मूंगफलियां जमा कर रहे हैं जितनी खा रहे हैं, और फिर उसको डाल के ग्राइंडर में पाउडर बना लें। अच्छा। एक चम्मच मूंगफली का पाउडर बेस्ट स्क्रब का काम करेगा, और 1/2 चम्मच मैं लूंगी इसमें दालचीनी का पाउडर। अच्छा, ये मूंगफली का पाउडर आपने छिलके के साथ पीसा? छिलके के साथ, ना ड्राई करना पड़ता, वो खुद ही ड्राई होता है। बस आपने डाला, आप सेव कर लीजिए। छिलके मतलब वो ऊपर वाला शेल के साथ? और अंदर मूंगफली भी थी? अंदर मूंगफली नहीं, सिर्फ जो हम छिलके पील करते हैं। अच्छा, वो जो ऊपर वाले छिलके। यस, इट्स अ बेस्ट स्क्रबिंग एजेंट, ब्राइटनिंग इफेक्ट, खुरदरा होता है। यस, और आपको पता है कि वो रिच इन विटामिन डी होता है। अच्छा, उसको हम फेंक देते हैं। और हमें विटामिन डी तो हमें आप देखिए बहुत जरूरत है, बहुत कम चीजों से मिल रहा है। सिंघाड़े में कैल्शियम हो गया, मूंगफली के पाउडर में विटामिन डी हो गया, इसीलिए तो धूप में बैठ रहे हैं आप। अच्छा। तो वो जब आप ऊपर से लगाएंगे तो जो आपकी हड्डियों की कैल्शियम मौजूद है वो आपकी फर्स्ट लेयर पे आएगी, वो कॉलेजन इंडक्शन कराएगी। हाँ। तो आपको ब्राइटनिंग, टाइटनिंग, पूरी डेड लेयर आपकी लेकिन निकल जाएगी। स्क्रब की तरह ही ना? स्क्रब की तरह, मूंगफली का छिलका, उबलता है हल्दी, यस, सिंघाड़े का पाउडर,
ठीक है, और क्या था? और जो है दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच, और लास्ट में भी बिल्कुल शामिल करूंगी सोडा, एक चुटकी हल्का सा सोडा, बिल्कुल ठीक है। और फिर मिलाएंगे, किस मिलाएंगे हम घर के कुकिंग ऑयल, सही सस्ता है, सस्ता, वेरी गुड। और ये आप लगाएं, और क्वांटिटी में बनाना है तो आप लग दें, ये तो सारी चीजें आपके यहाँ मौजूद है, आप बनाकर एक जार मुंह पे लगाएं या कहाँ लगाएं? सब जगह, हर जगह, ये आप बिल्कुल हर बॉडी पार्ट पे आप इसे लगा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है इसका। उपटन जैसी शक्ल बन रही है, देखिए आप, पिलाहट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। आप इसको धूप में बैठ जाएं और आप इसके शाइनिंग इफेक्ट देखिएगा। वेरी नाइस घरेलू उपटन। पता है बहुत सारी लड़कियां होती हैं जब एकदम झटपट किसी की 15 दिन में होती है ना शादी तय, तो वो स्ट्रेस में आ जाती हैं। ऐसी भी तो होती है ना, एक शादी में देखा रिश्ता आया, भाई हम बाहर से आए हुए, हमें तो बात तय करके जानी है, बिल्कुल बिल्कुल अगले हफ्ते निकाह कर लेते हैं, पेपर्स बनने में आसानी हो जाएगी। तो ये तो मौसम है अदला बदली का, शादियों का। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप जाकर विटामिन डी के इंजेक्शन लगाएं, या विटामिन डी अवेलेबल नहीं है, आप कैप्सूल नहीं खा सकते, आप ये लगाकर बैठ जाइए। हाँ। तो वो जो आपको बॉडी में अकड़ाहट फील होती है, आपको बॉडी एक हो रहा होता है, वो इससे 15 मिनट बैठना है सिर्फ। अच्छा। आपकी अपनी बॉडी के बिल्कुल आपने ये लगा के स्किन भी अच्छी हो जाए, कवर अप करना है ऐसे पूरा और लगा के बैठ जाना है। दुल्हनों के लिए नहीं है, सबके लिए, सबके लिए बहुत अच्छी चीज है ये। हाँ। ऐसे लगा के आप बैठ जाइए, जितने आप पार्ट एक्सपोज रख सकते हैं रखिए धूप में, और आपने अर्ली धूप लेनी है सुबह की। कितने बजे भाई? जैसे 8 बजे से लेकर 9 बजे तक की अच्छी धूप होती। हाँ। है जिसे हम ठंडी धूप कहते हैं, 11 बजे सो के उठे चलो भाई 12 बजे वाली धूप में। ये ठंडी धूप कहलाती है, और इस वक्त जो है आपकी एब्जॉर्प्शन जो है वो मैक्सिमम लेवल पे होती है ठंडी। और फिर 3 बजे से लेकर 4 बजे वाली जब सूरज ढलने की तरफ जा रहा होता है, तो ये ठंडी धूप होती है। इस वक्त आपकी बॉडी में भी विटामिन डी की जो है अंदर इंडक्शन बहुत अच्छी हो रही होती है, और ये टाइमिंग बेस्ट होती है, बेस्ट सिर्फ 15 मिनट की काफी होती है धूप। और फिर आपने इसको आकर आप पानी से साफ कर लीजिए 15 मिनट के बाद। ठीक जी, तो जिस तरह सर्दियां बहुत अच्छी चीज़ लाती है, तो एक बुरी चीज़ भी लाती है जिसके बारे में हम बात करने से ज़रा कतराते भी हैं, शर्माते भी हैं। एक चीज़ होती है मोज़ों की बदबू। हाँ। ये बहुत ही आपकी मतलब बस हो जाती है, आपको ये सुन के मुझे बदबू आने लगती है, बेहोश हो जाते होने लगते हैं आप, और स्पेशली बॉयज़ में, मेल्स में, स्पेशली लोग वुलन सॉक्स पहन रहे होते हैं, क्यों नहीं आती उनको? आती होगी लेकिन बस वो बर्दाश्त कर लेते हैं, नाक साफ करने का कोई तरीका बदत हो जाती है ना। सही कह रहे हैं, तो इस पे मैं बात करूंगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, लड़कियों को भी हो सकता है, लड़कों को इससे ज्यादा होता है क्योंकि जी एक तो मुझे लगता है वो सॉक्स का एक तो होता है प्रॉब्लम, दूसरा ये कि हाँ शायद ये हाइजीन का भी मसला है, दूसरे कि जैसे आपने सॉक्स उतारे फौरन सबसे पहले वॉश कीजिए, ये बहुत जरूरी होता है ताकि आप उसके अंदर, फिर मैं चेक करता हूँ कि उनका क्या रीजन है, हीमोग्लोबिन की कमी है। अच्छा, थायराइड की वजह से भी होता है, जिन लोगों को हाइपोथायराइड होता है उनका वेट बहुत बढ़ जाता है, हाइपर हाइड्रोसिस हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं, पाम्स और सोल्स में बहुत ज्यादा पसीना आता है खासतौर पर सर्दियों में। हाथ का तो ये आप धो सकते हैं, पैर तो बार बार धो नहीं सकते, तो आप जब वो बदबू सूंघते हैं, इस वजह मैं हॉस्पिटल में होता हूँ जब पेशेंट को लिटाना होता है, एग्जामिनेशन टेबल करते हैं, जूते मोजे उतार दो, मैं कहा नहीं मेरी बस हो जाएगी, जूते मोजे नहीं उतारिए, ऐसे ही लेट जाइए आप, मैं आपको ऐसे ही चेक कर लूंगा, है ना। सही है ना, ये हम सबके दिल की बात है क्योंकि वो हमें पता है कि वो ऑलरेडी हमें पता है कि आएगी स्मेल और पूरा कमरा बदबू से बह जाएगा। तो इस बस करने को, इसका नाम ही मैंने बस क्रीम लिखा है, कितना आसान है ये, आपके आपको आपकी बस जब हो जाती है तो आप कहते हैं कि बस अब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो उसको बस क्रीम दे दो। आसान है ना चीज, आपका ये वाला नाम रखने वाला टैलेंट ना, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं हमारे बच्चा होने वाला है उसका नाम रखें। मैं ना मियां बीवी की क्वालिटीज आपको बताऊंगी, जरूर इंशाल्लाह, और उसके बाद आप उन क्वालिटीज से कोई ना कोई ऐसा गेम खेलते, जरूर जरूर इंशाल्लाह, और नाम प्लीज जिसका बहुत अच्छा मतलब होगा ना, ये एक नई जॉब है जो मैं आपको दे रही हूं। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो इसका नाम ही बस क्रीम है, कितना आसान है ना, बस आपकी बस हो जाती है, क्योंकि वाकई उस टाइम पे आप बेहोश, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत बुरी बदबू होती है, और उसके अंदर सबसे पहले तो ये कि आपको ये टेस्ट कराए, और बस में सिर्फ दो चीजें, बे से बेसन है और सीन से सिंघाड़े का पेस्ट, कितना आसान। हाँ। बस क्रीम हो गई है, इसमें आपने बेसन लिया,
कितनी आसान क्रीम है ना ये, इसको आपने बेसन लिया आपने और संघाड़े का पेस्ट लिया, अच्छा इसको आपको पैरों में लगा देना है रात में, ठीक है रात में आके सो जाए और सुबह उठ के आप वॉश कर ले। आपने मिलाया क्या क्या क्रीम? हाँ देखिए मैंने, हाँ क्रीम बन गई है, बेस है बेसन और सीन से सिंघाड़े का पेस्ट, ठीक है इसको नहीं, लेकिन कुछ लेंगे तो पाउडर होगा ना? नहीं आप देखिए 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 पेस्ट सिंघाड़े का पेस्ट, हाँ उबले हुए सिंघाड़े जी, उबले हुए सिंघाड़े थे, आप देखिए ऐसा पेस्ट बन गया, ऐसी पूरी कंसिस्टेंसी उबले हुए सिंघाड़े जो है उनको आपने बेसन में मिलाया जी, और देखिए ये ऐसा पेस्ट ये पानी में उबले हुए, हाँ देखिए इसका बिल्कुल क्रीम की तरह बन गया, इट्स जस्ट लाइक क्रीम, ये देखिए कितना अच्छा क्रीम बन गया, इसको हमने पैरों पे पूरे पैरों पे लगा के आप रात में सो गए, वही जैसे मैंने आपको कहा पैकिंग से तकिया रख के अगर आप चाहें तो आप थैली बांध लें, और आप सॉक्स का ये ख्याल रखिएगा, आज आप पैरों को आज मैं फोकस को ज्यादा कर रहा हूँ क्योंकि ये भी बड़ा मसला होता है, एम्बैरेसिंग होता है, अच्छा लोग बोलते नहीं है स्पेशली आजकल, आपको पता है मुझे बेसन और सिंघाड़े की वजह से लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि इसको आपकी जो स्मेल है उसको ना काफी हद तक कंट्रोल करता है, वो उसकी अपनी खुशबू बहुत डिफरेंट होती है, धीमी सी होती है, वो उस पे वो करता है, ऑफ कोर्स मैंने ऐसा कहा नहीं, रात को लगा के सोए, रात को लगा के सो जाए पैरों पे, ठीक है, और सुबह जो है प्लेन वाटर से वॉश कर दे, ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं वो लोग जिनके पसीने में हार्मोनल रीजंस की वजह से, बॉडी पे भी लगा सकते हैं, अंडरआर्म्स में भी आप लगा सकते हैं, हाथों पे भी लगा सकते हैं, बेसिकली हमें तो पहले एज अ डॉक्टर फाइंड करना होता है क्या रीजन है, उसे मैंने ब्लड टेस्ट बताया, देखिए सबसे पहले तो रीजन है हाइपर हाइड्रोसिस, जो कि होता है थायराइड की वजह से, हाइपर हाइड्रोसिस होता है कि आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है हाथों और पैरों पे, खासतौर पे गर्दन पे, यूजुअली वो लड़के लड़कियों का पेट ज्यादा है, किसी के पसीने में बदबू बहुत ज्यादा जी जी, तो उसका क्या रीजन? उसका रीजन ये कि आपके बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं, आपका पसीना नॉर्मल होता है तो उसके अंदर ये पूछना है जी, गोश्त ज्यादा फैटी लिवर, नमक ज्यादा खाते हैं जो लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, हर वक्त का खाना जो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो कि आपकी हां कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इन सब चीजों से एनर्जी ड्रिंक्स, ज्यादा प्रोटीन लेना यानी गोश्त खाना, ज्यादा तली हुई चीजें खाना, तली हुई चीजें बहुत ज्यादा, निहारियां बिरयानियां बहुत ज्यादा खाना, और बॉडी स्क्रब नहीं करना, बॉडी की स्क्रबिंग नहीं करना, आदमी कहां करते हैं बॉडी स्क्रब, नहीं मतलब करना तो चाहिए ना, मतलब कि होता है कि वो बस गए फौरन नहा के निकल आए, बॉडी को भी स्क्रबिंग की जरूरत है, हर चीज को जरूरत है, स्क्रब करे तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है। आपको पता है डिनर्स में काफी जगह है जहाँ पे हम बैठ के ऊपर से तख्त पे बैठ के जूते मोजे उतार के बैठते हैं, उससे भी बस हो जाती है आपकी, तो बस क्रीम लग के और है ना बहुत, इट्स वेरी एम्बैरेसिंग स्पेशली, और ये बहुत कॉमन है, हम बात नहीं करते इसके ऊपर, लेकिन हमें इसको पे डिस्कस भी करना चाहिए, हमें इसको फाइन करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए, बिकॉज इट्स अ पब्लिक न्यूसेंस, पूरी आपका माहौल अजीब सा हो जाता है, इट्स वेरी एम्बैरेसिंग आल्सो फॉर यू एंड फॉर द अदर पर्सन, को बताना चाहिए। और देखिए इसमें पैसे नहीं खर्च होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, सस्ते वाले मोजे ले लें, खुदा के लिए रोज मोजे चेंज करके जाएं, और सूती वाले ले लें, कॉटन ले, 4 दिन एक चला लूं, हां बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और एक चीज का ये ख्याल रखिए कि आपकी अगर वो ज्यादा है परस्पिरेशन जो हम स्वेटिंग कहते हैं, वेट कम करें, फोकस करें वेट कम करने पे, जैसे आपका वेट कम होगा आपकी जो हाइपरहाइड्रोसिस है, परस्पिरेशन है, वो भी कम होने लगेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ठंडक है लेकिन आपकी जेब रखेंगे हम गरम, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हम आज आपको बता रहे हैं कि इस ठंडक में रखें कैसे आप अपनी जेब गरम, और हमारे एक्सपर्ट्स तो ज़बरदस्त किस्म के टिप्स आपको दे रहे हैं आज, मज़ा ही आ गया, आपने बताई थी ना लास्ट टिप, ना आपने बताई थी, बस आपने किया था, मैंने बस किया था कि बस हो जाए, उसमें बेसन था, सिंघाड़े का पाउडर था, और आपकी बस हो जाएगी, लेकिन आप फिर अब आप हर जगह जा सकते हैं, लेकिन वो जरूर यूज़ करें। अब मैं जाना चाह रही हूँ फरा की तरफ, चलेंगे फरा, वरना माशाल्लाह बस नहीं होगी। हाँ, सर्दियों में बाल जो है ना बहुत ज्यादा फ्रिजनेस आ जाती है, खड़े खड़े हो जाते हैं, आप स्ट्रेट करो तो फिर भी खड़े रहते, मतलब बाल बड़े जैसे ब्लो ड्राई करा के गए शादियों वादियों में और पड़ जाते हैं, बिल्कुल किसी ने प्यार किया उसी के साथ ही उसी के साथ जाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत फ्रिजी बाल हो जाते हैं, बड़े परेशान होते हैं, अब क्या करें, अब कंडीशनर भी खत्म हो चुका है फिर भी हो जाते हैं, अब ऐसा कोई हल हो ना कि रिबॉन्डिंग जैसे हमारे बाल हो जाए, सिल्की हो जाए, देखिए इतना कैसे होंगे बता रही हूँ ना, कैसे होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, आप ये ट्रीटमेंट करें। अच्छा मेरे पास ये था अलसी के बीज है, ठीक है, इसे मैंने पानी में उबाल लिया, उबाल के रख दिया, अब इसका देखिए इसमें कपड़े में डाल दिया, इसका जेल निकला है, कितना स्मूथ सा इसका जेल निकला है, इसका आप जेल निकाल लेंगे, ये रहा निकला, थोड़ा सा ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा सा इसका लेस निकल गया मेरे पास, ठीक है, इसको यहाँ रख देती हूँ, हाथ साफ करती हूँ, उसको अच्छा सा आपने जितने आपके बालों की लेंथ है उसके हिसाब से आपने यहाँ पे यहाँ पर जेल ले लेना है,
सिंगाड़ा जो था उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया क्योंकि मुझे खाने को बड़ा दिल चाह रहा था, लेकिन पानी को मैं फेंकना नहीं चाहती. अच्छा. क्योंकि ये मुझे इस्तेमाल करना है अपने इस वाली रेमेडी में. अच्छा. पानी में इस्तेमाल करूंगी इसमें सिंगाड़े का थोड़ा सा. हाँ, सिंगाड़े का पानी आ गया वो जिसमें उबाले थे. बिल्कुल. ये हम एक स्प्रे के बीच का वो आ गया जेल. जेल आ गया. स्प्रे बॉटल में डालेंगे हम इसे. ठीक है. इजीली आप अपने बालों में इसको अप्लाई कर सकते हैं. चावल का पानी, चावल को भिगो दिया और चावल का पानी मैंने इसमें ले लिया है. अच्छा, भीगे हुए चावल रात भर भिगोए, भिगो दिया आपने या फिर आप अपने लिए पहले लेकिन चावल धो लेना, गंदगी निकल. बिल्कुल, धो लें चावल को. अगर आप पहले चावल बना भी रहे हैं तो उसका पानी हम फेंक देते हैं फिर चावल को पकाते हैं, तो वो पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया एलोवेरा जेल. यानी आप चावल की पीच भी डाल सकते हैं. डाल सकते हैं उसके अंदर, लेकिन उसको कम क्वांटिटी में भी डालना पड़ेगा ना. ठीक है. बाल अकड़े अकड़े ना, अकड़े अकड़े कलफ लग जाए, कलफ लग जाता है इसलिए ज्यादा नहीं लगाते इसको. अच्छा, एलोवेरा जेल इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया. स्प्रे बॉटल में इसको भर के आप रख दें. अपने बालों को अच्छी तरह से आपने स्प्रे कर लेना है. कब? शैम्पू करने के बाद. शैम्पू करने के बाद आपने अच्छे से, जब आपके बाल जो है 80% गीले हों, टॉवल से आप थोड़ा सा इसको ड्राई कर लें. उसके बाद 80% बालों थोड़े से गीले हों आपने अच्छे से अप्लाई कर लेना है फुल अपने बालों में. और इसके बाद थोड़ा सा मसाज कर लें. और फिर जब कंघा करेंगे ना, ऐसे लगेगा आपने कोई सीरम लगाया हुआ है. आपके एक भी टैंगल्स जो वो रहेगी नहीं, पूरी टैंगल फ्री आपके बाल हो जाएंगे. जो उलझे हुए बाल होते हैं ना, उलझे हुए बाल होते हैं वो आपके उलझेंगे नहीं, बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे. और इसको तकरीबन 1 घंटा अपने बालों पर रहने देना है. इससे तो एक आपकी जो डेंड्रफ है वो भी खत्म हो जाएगी, आपके बालों में जो शाइनिंग होती है वो भी आपका खत्म हो जाएगा, वो शाइनिंग बढ़ जाएगा, और फ्रिजनेस होती है वो खत्म हो जाएगी, सिल्की बाल हो जाएंगे बहुत. अच्छा, सिल्की इसी का जोड़ जी, क्यों ना मैं इसी का जोड़ भी ना कि मैं प्रॉपरली वो करते. आप सिरम बता रही थी ना. हाँ. तो अब ये करने के बाद अब सिरम भी अगर हम तैयार कर लेते तो बाल आपके से परफेक्ट हो जाएंगे. कि आप लेकिन इसको वॉश करना है. अच्छा, इसको वॉश करने के बाद. वॉश करना है इसको. लगाएंगे, लगाने के बाद आप इसको आधे से 1 घंटा लगा लें. हाँ. तो पानी से वॉश कर लेंगे, बिल्कुल सिल्की सिल्की आपके बाल, एक चीज भी आपके बालों में टिकेगी नहीं. आप यहाँ वॉश करके आए फिर सीरम लगाएंगे. सीरम लगाते हैं हम. सीरम बनाना, सीरम इतने एक्सपेंसिव है. यस. मतलब 5,500 रुपए का मुझे रोज लगाना पड़ता है. मुझे अच्छे से याद है, मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रही, लेकिन 5,500 से कम के सीरम्स नहीं आ रहे होते अगर अच्छे वाले आप ले रहे हैं. छुरी दीजिएगा. तो अब आप सीरम अगर घर में बनाते हैं, ये आपने बाल धोए, ये आपने सीरम लगा लिया. अच्छा, इससे क्या होगा, इससे आपकी ग्रोथ भी होगी. हाँ. शाइन भी आएगी. ठीक है. हमने लिया सबसे पहले अदरक के 4-5 टुकड़े ले लीजिए आप, फ्रेश अदरक के. मैंने कहा ना सस्ते में महंगा काम, महंगा काम करेगी. फिर मैं इसमें डालूंगी 5-6 सिनेमन. और फिर मूंगफली देखे है आपने, ऐसे हाथ भर के मुट्ठी भर के ले लिया आपने. ठीक है. ठीक है. हाँ. इसमें फिर मैं शामिल करूंगी 1 चम्मच कलौंजी का पाउडर. कलौंजी का पाउडर. पाउडर बड़ा चम्मच. अच्छा. और इसको फिर हम पका लेंगे. और जरा सा मैं इसमें शामिल करूंगी जो नॉर्मल तेल होता है. हाँ. कुकिंग ऑयल बस जरा सा, 5-10 खतरे अराउंड. और बस अब इसको हम पका लेंगे और फिर छान के हम निकाल लेंगे. अब देखें इसमें मूंगफली है. मूंगफली फॉलिकल को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है. वो जिनके 2 मुए बाल हैं, और जिंजर जो है वो आपकी खुश्की को ख़त्म करता है, और ये कलौंजी जो है वो अंदर से फॉलिकल्स का जो साइज़ होता है वो बढ़ाता है, यानी बाल मोटा करता है. अच्छा. तो वो जिनके थिन हेयर्स हैं उनको जो इशू होता है, ये आप लगा लीजिए. आपने ऐसे सिंपल ही लगाना है और जड़ों में भी लगाना है. जो अच्छा, ये बिल्कुल ड्राई इफेक्ट देगा. ओके. ये तेल वाला इफेक्ट नहीं देगा. आपने ये पकाया, इसको पकाने के बाद हम इसको छान लेंगे. छानने के बाद आपने हाथ में लेकर छन्ना है ये दे दें. अब इसको आप बना के रख सकते हैं पूरे फुल मंथ का. ये थोड़ा काला काला होगा ऐसे. यस. कलौंजी की, कलौंजी की वजह से. आपने इस तरह लिया. हाँ. जड़ों में आपने यूं करके लगाना है. हाँ. और बाल आपने ऐसे यूं किया, ऐसे यूं करके लगा लिया. अब आप चाहे कोई भी टूल इस्तेमाल करते हैं, बच्चियाँ आजकल करती हैं, नीड भी है और जो है कुछ आदत भी हो जाती है. आपने यूं किया जैसे हमने अभी किया ही है ना, नीड है तो आप ये करेंगे तो इससे क्या होगा, डैमेज नहीं होगा. 2 मुए बाल नहीं होंगे, स्ट्रेट रहेंगे आपके बाल,
और जो है हेयर फॉल बिल्कुल नहीं होगा. सर्दियों में बहुत हेयर फॉल हो रहा है और फिर डेंगू इज़ ऑन द राइज बेसिकली, उसकी वजह से भी बहुत हेयर फॉल हो रहा है. तो ये लगाइए, इट इज़ ये सारी चीज़ें आपको ना सिर्फ विटामिंस प्रोवाइड कर रही हैं बल्कि फॉलिकल को स्ट्रॉन्ग करके आपको दो मुंह में बाल, और आपको नहाने के बाद लगा, नहाने के बाद आप देखें नहाने से पहले भी लगा सकते हैं आप इसको. बाल जो है कोई भी टूल चाहे वो ड्रायर यूज़ कर रहे हैं आप स्ट्रेटनर यूज, उससे पहले भी बाल डैमेज नहीं होंगे. एक्चुअली सिर्फ बालों को डैमेज से रोकना है और बालों का वॉल्यूम बढ़ाना है. जब वॉल्यूम बढ़ेगा फॉलिकल स्ट्रांग होगा तो बाल डैमेज. अच्छा, ये जड़ों से लगा है? जड़ों से लेकर नीचे तक के, टिप तक के. हाँ बिल्कुल, ये देखें चिकना नहीं है, बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं है क्योंकि सिर्फ 10 ड्रॉप्स डाले. और आप अगर चाहें तो ऑयल नहीं ऐड करें, आप सिंपल पानी की तरह भी लगा सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं और आराम से बाल. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. वैसे तो आपने जो बताया उससे तो बाल सिल्की हो जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. वो डिटेंगलिंग था और ये मैंने जो बताया ये आपका रीग्रोथ है, हेयर रीग्रोथ है. अच्छा आप क्या बताएं डॉक्टर बिल्कुल? जी मैं नज़ला जुकाम खांसी इस मौसम की जो सौगात है उसके लिए बता रही हूँ कि आपने क्या करना है. ये वही बनी हुई है क्या? जी वो वही बना रही थी. मैं उधर ही आ जाऊँ, आप मैं स्टीम लेती रहूँगी. मैं उधर आ रही हूँ आपके पास क्योंकि मुझे यहाँ तक स्टीम आ रही है और मेरी नाक खुल रही है. अच्छा इसमें डाला मैंने क्या क्या था, आपने लेना है घर में आप सबके लिए बना के रख सकते हैं. आपने लेना है 1 लीटर पानी, 1 बड़ा प्याज उसको मैंने थोड़ा पूरा काट दिया है. हाँ. इसमें 3 से 4 अखरोट डालेंगे और अगर वो छिलके समेत हो तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो जैसे मैंने यहाँ अखरोट डालें ये डाल दीजिए. 1 छोटा सा टुकड़ा अदरक का डालिए, 2 से 3 लौंग डाल दीजिए, 1 इतना सा टुकड़ा दालचीनी का. अब इसको जो 1 लीटर पानी है आपने इसको इतना पकाना है कि 1/2 लीटर रह जाए. जब ये 1/2 लीटर रह जाएगा तो ये घर भर के लिए बन जाएगा और फिर है ना इसका कलर भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, अखरोट का कलर जो है वो थोड़ा सा इसको डार्क कर देगा. आपके अगर मतलब कि इतना कंजेशन है कि अल्लाह ना करे नमूनिया का ख़तरा है या नमूनिया के आप अद्वियात पे हैं तो भी आप 1/2 कप सुबह शाम ये पीजिएगा. आपके सीने को फौरन जो बलगम बहुत जमा हुआ होता है और इतनी खांसी होती है कि आपके रिब्स दर्द कर रहे होते, पेट दर्द कर रही होती, उसके लिए भी बहुत अच्छा है. मैं सूंघ भी रही हूँ ना तो वक्त यकीन माने वो ट्रैक पूरा बन रहा है क्योंकि वो मुझे भी बहुत बलगम जमा हुई हुई है. हाँ तो इससे सूंघने में भी मुझे बहुत सुकून मिला. जी बिल्कुल. और ये इतना आजमाया हुआ नुस्खा, अखरोट प्याज अदरक दालचीनी और लौंग दालचीनी ये सब डालकर आपने उबाला है जी और इसको 1/2 कप कर लिया. 1 लीटर को 1/2 लीटर कर लिया, 1/2 लीटर हो गया तो आप इसको किसी भी ग्लास के बॉटल में डालकर फ्रिज में रख दीजिए. 1/2 कप दिन, 1/2 कप जो है वो आप जो घर वालों को देना शुरू करें. सिर्फ 1/2 कप आप यकीन करें इसका 1/2 कप पीते ही बलगम बाहर आ जाएगा. इसमें शहद वहद मिला लें ताकि टेस्ट सही. जी मैं बता देती हूँ, इसमें आप शहद और लेमन दोनों मिला सकते हैं. अच्छा, इसको उतारने के बाद आप इसमें क्या होगा, वॉमिट की इससे रेशा निकलेगा? बच्चों को वॉमिट से रेशा निकल आएगा, बड़ों को तो फिर ज़ाहिर उसका ड्रेन का सिस्टम है अल्लाह की तरफ से तो वो ड्रेन हो जाएगा. लेकिन आपका लंग्स को नई जिंदगी देता है, लंग्स के लिए बेहतरीन. रात को नींद भी नहीं आती कंजेशन की वजह से, बार बार उठती हूँ. मैं 4 दफ़ा उठी हूँ रात को. ये देखिए डाल रही हूँ शहद. अच्छा आपको लगता है कि शहद असली है तो डालिएगा, नहीं तो अपने पैसे जाया नहीं करें, गुड़ डाल दें. अच्छा एक मुझे बात बताएं, जैसे यही अभी तक ये नज़ला खांसी जुकाम सबको बहुत हो रहा है. अब मुझे बहुत पहले मुझे ज़ुबैदा तारिक ने बताया था कि भाई ऐसा हो ह्यूमिडिफायर, जाहिर है हर किसी के घर में तो नहीं होता, पहले था मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया. तो मैंने ना पानी का मग भरा है एक और मैंने जाके ना रख दिया अपने कमरे में जिसमें मैं सो रही थी. पुराने जमानों में ऐसे ही होता था. क्या वजह है, क्या लॉजिक है? मुझे तो फायदा हुआ इससे बड़ा. आप देखिए आपकी जितना पानी ह्यूमिडिफायर नॉर्मल ह्यूमिडिफायर तो पानी मैंने वैसे बाथरूम में जो मग में था उससे भर के रख दिया, कोई गरम वरम नहीं किया मैंने. आपके कमरे की ड्राइनेस है ना वो उस पानी में एब्जॉर्प्शन हो रही है, कमरे की ड्राइनेस को ओवरऑल खत्म कर रहा है. छोटा सा लेकिन उस ड्राइनेस को ओवरकम कर रहा है, काम कर रहा है. आज मैंने ये किया, मैंने कहा इसकी एक और भी ये है, कुछ लोग मानेंगे कुछ लोग नहीं मानेंगे. जैसे लोगों को खौफ आता है ना, कुछ कमरों में खौफ आता है, लगता है कि कोई ऊपरी चीज़ है, वहाँ पर भी अगर ये पानी का मग आप रख दो ना, यस
तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। नेगेटिव एनर्जी को भी नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर आप सुबह जाकर वो पानी जो है ना आप घर के बाहर फेंक दो, या जो नए घर ले रहे हैं तो आप घर में शिफ्ट होने से पहले हर कमरे में हर जगह हमारे मेरे बुजुर्ग कहते थे हम ये करते थे, इससे बहुत सुकून आता है। तो नेगेटिविटी उस घर से चली जाती है। आप देखिए बाकी जो पुरानी चीजें वो दोबारा वापस आ रही है। नहीं आपने रात भर रखना है और सुबह आप नहीं होंगे ना वहाँ पर, लेकिन सुबह फजर से पहले हटा हटा दें आप उस पर। और दूसरा ये कि बंद कमरा एयर टाइट होगा जी, इशू नहीं होता है। हम तो वो मच्छर मार भी तो लगाते हैं ना, वो जो कॉइल वॉइल भी होती है, और वो कॉइल की वजह से और होता है और ड्राइनेस होती है। अच्छा आपको कॉइल का इफेक्ट अगर ओवरकम करना है तो आप पानी लीजिए उसमें लौंगे डाल दीजिए 10-15। किसके लिए ये होगा? ये आपको आप कॉइल ना आप कॉइल जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मच्छर खुद ही भाग जाएंगे। आप सिंपल ऐसे ही जो है ना जो पानी है उसमें लौंगे डाल दो, आप कमरे में लौंगे एक एक दो ऐसे ही छिड़क दीजिए, मच्छर भाग जाएंगे वहां से। हाँ ठीक है, के साथ रख दे तो मेरा गला ही खराब कॉइल जो है। मेरा मियां कहते हैं नहीं भाई मच्छर नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता, मैं सो नहीं सकता, लेकिन कॉइल जलती है मेरी, मेरा गला, मेरे नजला, सही बात है, और सांस नहीं आता, मसला हो जाता है। ऐसे करके लौंगे डाल, ऐसे करके नींबू के साथ ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करके फिर इसको काट के थोड़ा सा इसमें खाते लो। मेरा समझे कोई जादू करी बीवी रखे ना जैसे जहाँ आपके कपड़े सीलन की स्मेल आती है, कीनू में लौंग डाल के वहाँ रख लेना तो सारी सीलन एब्जॉर्ब और ये नेगेटिव। अभी वो अटैचियां खोली ना सर्दियों के कपड़े निकाले, इतनी बदबू आ रही है, धूप में डाल दिए, पर अजीब है। सॉफ्टनर होता है ना जो कपड़ों के लिए, मैं तो उसी में धो लेती हूँ। जी अच्छा एक चीज़ ऑफ कोर्स सर्दी आ गई है, बाल तो गिर रहे हैं, कुछ लोगों के आईब्रोज भी हल्की हो जाती हैं, गिरने लगती हैं, कुछ लोगों के आईब्रोज में भी एलोपेशिया एरिएटा हो जाता है, लोग बड़े परेशान होते हैं। देखिए जी बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले हम फेस पे आईज देखते हैं और आईज के साथ चूंकि आईब्रोज जुड़ी हैं तो फौरन उस पर नजर पड़ती है और एकदम लोग कहते हैं ये क्या हो गया, पीपल रियली गेट अपसेट। तो एक बहुत ही अच्छी और आसान रेमेडी है जिसका नाम है आला, आला रेमेडी है, ALA, कितना आसान है ना। ए से टीस्पून ऑफ सिंघाड़ा पेस्ट, L से लेमन जूस एक चम्मच, और A से है अ टीस्पून ऑफ कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल की इसके बात कर रहे थे, A से अ टीस्पून ऑफ सिंघाड़ा पेस्ट ठीक है ना, और L से लेमन जूस एक चम्मच और अ टीस्पून ऑफ कैस्टर ऑयल जो कि आईब्रोज के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा ये बता दूं कि ये आई लैशेज के लिए नहीं है, दिस ट्रीटमेंट इज नॉट फॉर आई लैशेज, ओनली फॉर द आईब्रोज जो आपके यहाँ पर होती है, अक्सर सेबोरिक डर्मेटाइटिस होता है जो बढ़ जाता है, सोराइसिस होता है जो बढ़ जाता है, इसके अंदर ड्राइनेस बढ़ जाती है, अक्सर लोगों के हेयर फॉल हो रहा होता है तो आईब्रोज भी कम होने लगती हैं, कुछ लोगों के तो पैचेस पड़ जाते हैं ड्राई पैचेस, तो उसके लिए बेहतरीन रेमेडी है, तो इसका नाम ही आला, आला आईब्रो क्रीम ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, अ टी स्पून ऑफ सिंघाड़ा पेस्ट ये हमने रखा हुआ है। अच्छा लेमन जूस इसमें पूरा एक चम्मच आप मिलाएंगे ठीक है। अच्छा याद रखिएगा कि इसमें आप लगाने से पहले ये ज़रूर अपनी आईब्रोज को अपने फेस को वॉश करके कीजिएगा, और कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा है, इनको मिक्स करके देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी आ जाएगी, ये देखिए ऐसा ऐसा बन जाएगा, बिल्कुल आपको सिरम की तरह लगेगा। इसका तरीका ये, इसको आईब्रोज लगा के, अच्छा इसको लगा के सोना नहीं है, ये ख्याल रखिएगा, ये आप लगाएंगे सुबह या दोपहर के टाइम जब या शाम के जब उठे हुए हो, क्योंकि जज्ब हो जाता है दिखता नहीं है, अगर लगा के सो गए आप तो आईज में जाने का खदशा है विच इज़ बैड फॉर दी आईज, तो उसके वजह से कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको आप जैसे आप सुबह उठे आपने इसको लगा लिया आईब्रोज के ऊपर, दिन भर लगाए रखा, लेट इट बी देयर, शाम में आपने फिर लगा लिया इसको, तो विद इन फ्यू डेज आपकी आईब्रोज थिक होना शुरू हो जाएंगी और एक बहुत डार्क कलर आने लगे जो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सर्दी तो है लेकिन हम रखेंगे आपकी जेब गर्म। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं सर्दी तो है लेकिन हम रखेंगे आपकी जेब गर्म, और इस तरह कितने सारे आपको ज़बरदस्त किस्म की रेमेडीज बताई गई हैं लेकिन उसमें खर्चा नहीं होने वाला, ये बात कितना खर्चा हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, घर से ही निकलेंगी चीज़ें निकल जाती हैं और क्या रखी हुई, आप क्या बताएंगे? सर्दियों में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है ना हड्डियों जोड़ों का दर्द,
घुटनों का दर्द, पुरानी चोटें उभर के उभर के वापस वापस आ जाती हैं। तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, दवाइयाँ खाते हैं, फिर आप बोलते हैं इतनी दवाइयाँ खा खा के तो मेरे तो पेट ही खराब हो गया। हमारे ये मिथ्स होती है ना, पेट खराब हो गया, जिगर खराब हो गया। तो बस आपने अब क्या करें, दवाइयाँ तो अपनी कंटिन्यू करें, लेकिन इसके साथ साथ ये वाली जो मैं रेमेडी बता रही हूँ उसको भी खाएं, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, मखाना मैंने ले लिया है, इसको मखाने का मैंने पाउडर बना लिया, सस्ते होते थे, महंगे नहीं होते। बात करते हैं मखाने खाना बहुत जरूरी है, 4-5 मखाने लेके इसका आपने पाउडर कर लिया, बहुत आसानी से पाउडर बन जाता है। उसके साथ में यहाँ पर हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, अच्छा साथ साथ इसको मिक्स भी करते जाएं, ठीक है, साथ मिक्स करते जाएं इसको। हमने मखाना पाउडर में हल्दी पाउडर को मिक्स कर दिया, इसके साथ में यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो जिन लोगों को शुगर है वो गुड़ का इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है, बाकी चीज़ें आप ऐड कर लें। 1 टीस्पून मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया, इसको अच्छे से मैंने पाउडर कर लिया, पीस लिया है, गुड़ का इस्तेमाल किया, इसको मिक्स कर लिया। और जो नारियल होता है खोपरा पिसावा, वो आपने लेना है, ठीक है, आप वो लेने, इसका पाउडर भी अगर मिलता है तो वो लेने, अगर वो भी नहीं मिलता तो इसका आपने दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जिस फॉर्म में भी है आपने ले लिया, पाउडर ले लें तो ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये ख़राब नहीं होगा। ये सफूफ बन गया हमारा, इसको हमने मिक्स करके रख दिया। लेकिन जब आपको खाना है आपने क्या करना है, एक मुझे कप देते हैं, आपने सिर्फ क्या करना है, दिन में 1 टीस्पून दो दफ़ा खाना है, जिनको हड्डियों का जोड़ों का दर्द है, मूँगफली के तेल में डाल के हल्का सा तेल डालना है, उसके साथ थोड़ा सा पानी मिला के आप इसको खा रहे, ऐसे ही फांक सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल, आपने देखा मैंने 1 ड्रॉप डाला है, उसके साथ आप पानी का इस्तेमाल करें, इसको मिक्स कर लें। और ज़रूरी नहीं इसको ऐसे खाएं, आप इसको अपने खाने में भी शामिल कर सकते हैं, और इसको आप चाय में, कॉफ़ी में, कहवे में इसको डाल के भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, इसको सारी चीज़ों में आप इसको मिक्स करके खा सकते हैं। बस इतनी सी क्वांटिटी होनी चाहिए, एक वक्त की खुराक 1 टीस्पून बन गया, आपने 2 वक्त खाना है, एक दिन में 2 टाइम खाना है, आप देखें आपको बहुत फर्क पड़ेगा, हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, बहुत जल्दी आपको फर्क पड़ जाएगा। टेस्ट भी अच्छा होगा, टेस्ट भी अच्छा है, टेस्ट बहुत मजे का है इसमें, अगर आप गुड़ ना भी शामिल करें तब भी मजे का है, वैसे भी इसको खा सकते हैं, दही में डाल के खा ले, दही आपको अच्छा लगता है, आप ऑमलेट बनाते हैं इसके ऊपर आप ऐड करके, या ऑमलेट के साथ मिक्स करके भी फ्राई कर सकते हैं, खाने में डाल सकते हैं, कॉफी में ऐड कर सकते हैं, चाय में ऐड कर सकते हैं, कहवे में ऐड कर सकते हैं, जिसको आपका दिल करे आप इसको खा सकते हैं, आपको वही फायदा देगा, हड्डियों का दर्द सही करेगा। जी जी, मैं बता रही हूँ ओबेसिटी के लिए, मोटापे के लिए मज़ेदार सी चाय बनाना बता रही हूँ, और कीनू के छिलकों से, कीनू के और लीमू के छिलकों से, ठीक है। पहले मैं लीमू निचोड़ लेती हूँ, आधा लीमू आपने निचोड़ना है, ठीक है, 1 कप के लिए काफ़ी है। और इसके जैसे मैंने कीनू के छिलके उबालने रखे, इसी तरह आप लीमू के छिलके भी इसमें डाल दीजिए। इसके बाद आपने डालना है 2 लौंग, 1 बड़ा टुकड़ा, इसमें बड़ा टुकड़ा इसलिए क्योंकि हम सर्दियों में पाए, निहारी, ये सारी दावतें सब खाना खाते हैं, ये आपके इंसुलिन को कम करने में आपकी मदद करता है, इसलिए इसमें मैंने ज़्यादा लिया है, बड़ा सा टुकड़ा ये आपने ले लिया। पहले मैंने क्योंकि किनू के जो छिलके हैं उसको उबालने दिया था। अच्छा, ये 2 काम करेगा, 1 तो आपके डिप्रेशन को भी दूर करेगा, सर्दियों में बिला वजह के जो डिप्रेशन होती है किनू के छिलके उसको दूर करने में आपकी मदद करता है। साथ साथ आपने बहुत ज़्यादा खाया, उसको निज़ाम हज़म को बेहतर बना के आपके जो है ओबेसिटी को, आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है, तो आपके मोटापे को ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। एक छोटा सा टुकड़ा आप अदरक का इस तरह करके छोटे छोटे टुकड़े करके आप डाल दीजिए। अदरक को मैंने सबसे लास्ट में डाला है, पहले मैंने जो है उसको उबाला है किनू के छिलकों को, फिर इसमें ना लेमन डाला है, फिर गरम मसाले दोनों डाले हैं। अब आपने इसको उबाल लेना है और छान लेना है, और बहुत ही मज़े की जो है ना चाय तैयार हो जाएगी। आप इसका इस्तेमाल करें और हर खानों के साथ खाएं। किनू के छिलके आप कितना लेंगे, 1 चम्मच, ये देखिए ये इसका कलर आया। अब अगर आप चाहें तो इसमें शहद डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, ना डालें तो बेहतर है क्योंकि शहद भी मोटापा करता है, तो हमें मोटापे से बचना है। बहुत ज़्यादा शहद का इस्तेमाल और गुड़ का भी हद से ज़्यादा इस्तेमाल आपको नुकसान दे सकता है, अगर आप इसको इसी शक्ल में पिए तो ज़्यादा बेहतर है। डीटॉक्स ड्रिंक की तरह बन गई है ना, डीटॉक्स भी करेगा आपको, साथ साथ वेट लॉस में भी हेल्प कर रहा है। जी बिल्कुल, और पीना भी खानों के आधा घंटा पहले, तो इससे आपकी भूख भी थोड़ी
कम हो जाएगी, हो जाएगी। जिनको वक्त बेवक्त की भूख लगती है उनके लिए भी अच्छा, इसलिए डिप्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा। ये सर्दियों में बड़ा प्रॉब्लम आता है, रात में अक्सर लेट नाइट बहुत भूख लगती है, क्रेविंग होती है खाना खाने, क्रेविंग होती है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। वेरी नाइस जी। अच्छा, क्योंकि पाए नहारी ज्यादा खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये तो है। तो केले बहुत अच्छे हैं सीजन में, ज़्यादा से ज़्यादा केले खाइए, पोटेशियम मौजूद होता है तो आपके सोडियम को कम रखता है। कोशिश करें कि वैसे ही नमक का इस्तेमाल कम करें ताकि ब्लड प्रेशर हाई ना हो, क्योंकि वो भी खाने ज़रूरी है, पाए हड्डियाँ सही रहती हैं, कॉलेजन होता है। तो मैं बेसिकली, अगर आपको लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो गया है, तो केले क्योंकि मौजूद होते हैं, हमने इसके छिलके जो है, केला आप खा लीजिए, जो छिलके हैं वो इस तरह डालने, अच्छा छिलके आप ऊपर से आप अच्छी तरह क्लीन ज़रूर कर लीजिएगा, डाल के आप इसमें एक हाफ चम्मच जो है वो खशखाश दीजिए और ये गर्म पानी करके इसमें डाल दीजिए और इस पानी को पी जाइए। ये डायोरेटिक का काम करेगा, जो आपकी सोडियम होती है इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर छान के जो है वो पी जाएंगे। तो केला और खशखाश जब ऐड होता है वो आपको जो है तेज़ी से पेशाब आवर होता है बेसिकली, तो यूरिन के थ्रू जो है वो आपका जो है वो सोडियम को निकालता है, तो आपका ब्लड प्रेशर सेटल डाउन हो जाता है। तो इमीडिएट रिलीफ के लिए आप ये करिए, और अगर आपको लगता है कि बार बार हो रहा है तो फिर डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, ताकि डायग्नोसिस एग्जैक्टली हो सके कि क्यों आपका जो है बीपी इतना नॉर्मली नहीं बढ़ता। लेकिन अगर आपको लगता है कि अब हाई होना शुरू हो गया, तो प्रॉपर डायग्नोसिस होना ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशन के साथ कि क्यों हाई हो रहा है। अदरवाइज़ अगर सिर्फ खाने पीने की वजह होता है तो इससे सेटल डाउन इमीडिएटली हो जाएगा। और ज्यादा नहीं पीना है, हाफ ग्लास के करीब बस, हाफ ग्लास में ही वो सेटल। एक दफा दोबारा रिपीट करें आप। पहले मैंने जो है वो छिलके ले लिए और फिर हाफ स्पून जो है, हाफ टी स्पून तकरीबन ना, इसमें शामिल कर लिया खशखाश का, और खशखाश और केला मिलकर बस, और फिर गर्म पानी डाल दिया फौरन आपने, थोड़ा सा गर्म पानी जो है वो सेटल हो जाए, जिस तरह आप चाय पीते हैं आप इसको पी जाइए। ठीक है, तो आपको विद इन 10-15 मिनट्स जो है वो यूरिन पास होता है, तो ब्लड प्रेशर फौरन सेटल डाउन हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि सेटल डाउन नहीं हो रहा है, तो फिर डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए या चेक कर लीजिए कि बीपी कितना है क्या है, क्योंकि आप इमीडिएटली आपको जब हम खाते हैं ना, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उसकी वजह से भी होता है। इससे पहले कि हम शो खत्म करें, मुझे बस थोड़ी थोड़ी बातें बता दें। शकरकंदी है जैसे, ठीक है, शकरकंदी में क्या फायदा है? सारे मिनरल्स मौजूद हैं, सारे वाइटामिंस मौजूद हैं, जरूर खिलाइए। इंसुलिन को हमेशा बैलेंस रखता है और आपके हार्मोनल बैलेंस बहुत अच्छा करता है। ठीक है, अब जो सूप है जैसे ये गरम वाला सूप है, ये बहुत अच्छा है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लियर कर रहा है, आपको एनर्जी दे रहा है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एनर्जी हमारी कम हो जाती है सर्दियों में, और फिर आपको एक तरह से फाइट कर रहा है सारे जो ऐसे इन्फ्लुएंजा वाले वायरसेस फैले हुए हमारे इर्द गिर्द, इम्यूनिटी थोड़ी सी लो हो जाती है। तो ये तो यखनी तो आपके लिए बेनतिया आइडियल है, नाश्ते में, लंच में, डिनर में, तीनों वक्त आप पी सकते हैं, इसके बहुत फायदे होते हैं। अच्छा, सिंगाड़े का आपने बता दिया, आप क्या अंडे गरम अंडे गरम भी तो खाते हैं, प्रोटीन है, बहुत प्रोटीन है, एनर्जी है, ज्यादा अंडे खाएं सर्दियों में, बहुत ज्यादा। और इसके अंदर अच्छी बात ये होती है कि आपका वेट लॉस में भी हेल्प करता है, अगर आप बॉइल्ड एग्स खा रहे हैं तो आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, हार्ट के लिए अच्छा है, लेस थिनेस। अब क्या बचे हमारे पास? चिक्की और गुड़ है, गुड़ गुड़ तो एनर्जी लेवल, सिंगाड़े का आप बता चुकी हैं, ये शुगर लेवल्स आपके सही करता है। अब जैसे चिक्की है गुड़, हाँ, शुगर लेवल सही करता है, ये आपके शुगर लेवल्स कभी कभी आपके बिल्कुल लो होने लगते हैं, बिल्कुल फायदेमंद है, लेकिन कम क्वांटिटी। हम शकरकंदी की बात करते हैं तो 50 ग्राम से ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए, शकरकंदी बहुत ज्यादा शुगर का लेवल होता है, भी नहीं इससे ज्यादा ना खाएं। लेकिन ये चिक्की फायदेमंद है, सुबह दोपहर में खाएं, रात में लेट नाइट अवॉइड करें, क्योंकि ये आपने थोड़ा सा लोग खाते रात में अब्बा लेकर आ रहे होते खाने के साथ, चलो अखबार बिछाओ और चिकन, ये नाश्ते में खाएं तो अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छे से मैंने खाई है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने, जो हमारा शो का टाइटल था कि ठंड है लेकिन जेब को हम आपकी गर्म ही रखेंगे, हमने ना काजू का जिक्र किया, हमने ना चिलगोजों का जिक्र किया, मैं भी नहीं खरीदूंगी, मैं भी नहीं खाऊंगी, बहुत महंगे हो गए हैं, डॉलर बढ़ गया है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।